गुड मॉर्निंग क्लास आज की क्लास में हमें शुरू करना है हमारा नेक्स्ट चैप्टर रिग्रेशन एनालिसिस तो रिग्रेशन एनालिसिस ये जो चैप्टर है दिस इज कनेक्टेड विद द चैप्टर को रिलेशन रिग्रेशन को रिलेशन चैप्टर से कनेक्टेड है अब को रिलेशन चैप्टर में हमने डिस्कस किया था लाइक इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दो वेरिएबल आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं रेग्रेशन चैप्टर में यहां भी हमें क्या करना है दो वेरिएबल्स को एक साथ में स्टडी करना है दो वेरिएबल्स एक साथ में यहां पर भी होंगे बट दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू हमें गिवन होगी एंड सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है फाइंड आउट करनी है दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू हमें गिवन होगी एंड सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है फाइंड आउट करनी है अभी जो रिग्रेशन चैप्टर है ये आपके स्टेटिस्टिक्स uh, के सिलेबस में सबसे छोटा चैप्टर है सबसे छोटा चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर भी कुछ फॉर्मुलेज आएंगे और वो फॉर्मुलेज हमें लर्न रखने हैं बट अगर हमें कोरिलेशन के फार्मूलेज याद हैं स्पेशली काल पियसन के फॉर्मूलेज अगर हमें याद है तो फिर हम रिग्रेशन के फॉर्मूलेज इजीली समझ सकते हैं याद रख सकते हैं को रिलेशन के जो फॉर्मूले हैं बिल्कुल उसी पे बेस्ड है रिग्रेशन के फॉर्मुलेज ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर रेग्रेशन सबसे पहले हम दो पॉइंट्स लिखते हैं फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे चलिए फर्स्ट लिखेंगे रिग्रेशन रिग्रेशन एस्टैब्लिश रिग्रेशन क्या एस्टैब्लिश करता है वो देखें इट एस्टैब्लिशेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप इट एस्टैब्लिशेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप किसके बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप को बनाता है किसके बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है बिटवीन टू वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स के बीच में बिटवीन टू वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स के बीच में मैथामेटिकल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है अब ये मैथामेटिकल रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है इक्वेशन। दो वेरिएबल आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, तो उनके बीच में किस तरह की इक्वेशन बन रही है वो इक्वेशन ये बना लेता है एस्टैब्लिश कर लेता है ठीक है सेकंड पॉइंट लिखते हैं इट एस्टिमेट्स the वैल्यू ये वैल्यू को एस्टिमेट करता है किसके वैल्यू को ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इट एस्टिमेट्स द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को यह एस्टिमेट करता है फाइंड आउट करता है कैसे फाइंड आउट करता है विद द गिवन वैल्यू विद द गिवन वैल्यू ऑफ इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ द गिवन वैल्यू ऑफ इनडिपेंडेंट वेरिएबल इसका मतलब क्या हुआ हमें इनडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू तो पता है तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है डिपेंडेंट वेरियबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ओके okay. जैसे एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई आर द टू वेरिएबल्स इन दोनों में से एक्स की वैल्यू हमें गिवन है तो फिर वाई की वैल्यू एस्टिमेट करनी है एक्स की वैल्यू गिवन है तो वाई की वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है फाइंड करनी है। और अगर वाई गिवन है देन इन दैट केस एक्स की वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है तो दोनों वेरिएबल्स में से एक की वैल्यू गिवन होगी और दूसरे की हमें एस्टिमेट करनी है कैसे एस्टिमेट करनी है तो अभी हमने डिस्कस किया बाय एस्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप एक हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बना करके हम उस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे एस्टिमेट कर लेंगे ठीक है जैसे अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं टू वेरिएबल्स आर इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट दो वेरिएबल कौन से हैं? एक इन्वेस्टमेंट है और दूसरा प्रॉफिट दीज आर द टू वेरिएबल्स अब हमें क्या गिवन होगा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन होगी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें गिवन होगी और इस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कितना होगा या हम ऐसा कह दें रिटर्न हमें कितना मिलेगा ये फाइंड आउट करना है तो रिटर्न फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिएगा रेट ऑफ रिटर्न दैट मीन्स दोनों के बीच में कुछ न कुछ रिलेशन होगा वो रिलेशन हमें पता होना चाहिए तो हमें गिवन और क्या होगा रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पता होगी रेट ऑफ रिटर्न हमें पता होगा तो फिर हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे या हमें कितना रिटर्न मिलेगा ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे ठीक है सो दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी और दूसरे की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अब नेक्स्ट बात आती है कि यहां पर जो दो वेरिएबल है उनमें से एक वेरिएबल कैसा होगा जो हमारा वेरिएबल है ये वेरिएबल कैसा होगा एक वेरिएबल तो होगा डिपेंडेंट एक वेरिएबल कैसा होगा डिपेंडेंट और दूसरा वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट। वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड अदर विल बी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है जिसकी वजह से वैल्यू दूसरी वैल्यू जो है जो दूसरा वेरिएबल है वो इन्फ्लुएंस होता है बदल जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी इसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट हो जाएगा जैसे इन्वेस्टमेंट तो हम जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे रिटर्न हमें उतना ज्यादा मिलने लगेगा तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है इनडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं और इस इन्वेस्टमेंट पे क्या डिपेंड करता है हमारा रिटर्न तो रिटर्न को हम क्या कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल रिटर्न इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इन्वेस्टमेंट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हुआ जो दूसरे वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करता है विच इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल ठीक है तो डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहेंगे हुज वैल्यू गेट्स इन्फ्लुएंस्ड जिसकी वैल्यू प्रभावित हो जाती है इन्फ्लुएंस हो जाती है किसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है अफेक्ट हो जाती है किसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से तो वो हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल तो दो तरह के वेरिएबल होंगे तो हमें किसकी वैल्यू एस्टिमेट करनी है हमें एस्टिमेट करनी है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है और इनडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हमें गिवन होगी इसकी वैल्यू हमें गिवन होगी ठीक है तो सबसे पहले हमें यहां तक का बेसिक एक बार समझ लेना है कि इस चैप्टर में आखिर होता क्या है हमें करना क्या है एक बार फिर से फटाफट से रिकॉल करेंगे रिग्रेशन इट एस्टेब्लिशेज मैथामेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दो वेरिएबल के बीच में कोई मैथामेटिकल इक्वेशन जो है ये फॉर्म करता है देन सेकेंड पॉइंट में हमने बात की है इट एस्टिमेट्स द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट की वेरिएबल की वैल्यू हम पता लगाते हैं एस्टिमेट करते हैं किसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिर हमने एग्जाम्पल लिया जैसे इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे लिए इनडिपेंडेंट वेरिएबल और इस पे कौन डिपेंडेंट है रिटर्न तो रिटर्न इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इन्वेस्टमेंट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओके चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि यहां पर जो हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी तो कितनी इक्वेशन यहां पर हमें फॉर्म करनी होगी वो देखते हैं तो रिग्रेशन एनालिसिस में सो देर आर टू वेरिएबल्स तो हम यहां पर दो तरह की इक्वेशन बना सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं टू फाइन टू फाइन वैल्यू ऑफ एक्स अगर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स अगर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू क्या होगी गिवन होगी फॉर गेवन वैल्यू ऑफ वाई हमें क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइन करनी है एंड वाई की वैल्यू गिवन होगी तो ऐसे केस में जो हम इक्वेशन काम में लेंगे उस इक्वेशन को क्या कहा जाएगा वो नेम हमें याद रखना है दैट इक्वेशन इज नोन एज एक्स ऑन वाई हमें एक्स फाइन करना है तो इक्वेशन का नाम क्या है एक्स ऑन वाई अगर मान लीजिए y फाइंड करना है और x गिवन हो तो इक्वेशन तो का नाम हो जाएगा y ऑन x, y ऑन x, ठीक है तो टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, जब भी हमें पता हो कि x हमें फाइंड करना है और y गिवन है तो हम क्या यूज लेंगे इक्वेशन x ऑन y. अब x ऑन y इक्वेशन का एक फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट क्या है वो लिख लेते हैं पहले एक्स ऑन वाई इक्वेशन का मतलब है X is equal to a plus b y. This दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन is equal to a plus b y. ये कौन सी इक्वेशन है x on y इसी तरह से हम क्या लिखते हैं उधर ऑपोजिट में to find value of y for given value of x इस बार हमें y की value find out करनी है and x की value given है x की value given है तो इसे हम क्या कहेंगे y ऑन x y ऑन x अब y ऑन x इक्वेशन कैसी होती है ये लिख लेते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स दिस इज इक्वेशन वाई ऑन एक्स ये इक्वेशन कौन सी हो गई है वाई ऑन एक्स ठीक है सो दीज आर टू इक्वेशन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स तो अभी हमें क्या ध्यान में रखना है कौन सी इक्वेशन कब यूज करेंगे एक्स फाइन करना है एक्स ऑन वाई वाई फाइन करना है तो वाई ऑन एक्स यहां तक समझ आ गया अब बात आती है कि ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इनमें कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट ये लिखते हैं तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमने यहां लिखी है x इज इक्वल टू ए प्लस बीवाई एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बीवाई तो यहां पर इस x को हम क्या कहेंगे दिस x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल ये x कौन सा वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल है बिकॉज x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है किसकी हेल्प से फाइंड आउट करनी है y की हेल्प से तो इस y को हम क्या कहेंगे दिस इज नोन एज इनडिपेंडेंट वेरिएबल इनडिपेंडेंट वेरिएबल x डिपेंडेंट और y इंडिपेंडेंट। कौन सी इक्वेशन में x ऑन y में फिर बात आ रही है दूसरी इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन में जो हमने y लिखा है इस बार y हमें एस्टिमेट करना है तो y को क्या कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x को हम क्या कहेंगे x को कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है तो एक वेरिएबल डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट अब यहां वेरिएबल के पास में जो हमने वैल्यू लिखी है कौन सी बी की वैल्यू यहां हमने लिखा है दर B, दर भी हमने लिखा है बी इन बी को हम क्या कहेंगे दिस बी इज नोन एज इस बी को हम क्या लिखेंगे दिस इज स्लोप दिस बी इज नोन एज स्लोप किसका स्लोप है रिग्रेशन लाइन का दिस बी इज नोन एज स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन रिग्रेशन लाइन का स्लोप स्लोप का मतलब क्या होता है ढलान स्लोप का मतलब है ढलान फाइन तो यहां तक अभी हमें जितना भी समझ आया है वो हमें याद कर लेना है ताकि आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें कंसेप्चुअल कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन में आपको ये गिवन नहीं होगा कि आपको एग्जैक्टली exactly करना क्या है वो हमें सोचना है हमें जज करना है कि कौन सी इक्वेशन हमें यूज करनी है तो जब ये कॉन्सेप्ट सॉल्व तो करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ठीक है तो एक्स आपको पता लग गया वाई आपको पता लग गया क्या होता है और बी का भी मतलब हमें पता लग गया है दैट इज स्लोप मतलब किसका रिग्रेशन लाइन का देन इस ए को हम क्या कहते हैं इंटरसेप्ट दिस ए इज नोन एज इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन बट वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है उसका भी हमारे यूज नहीं होगा लेकिन इस बी का यूज बहुत ज्यादा होगा ठीक है अब बात आती है ये इक्वेशन हम बनाएंगे कैसे हमने एक्स ऑन का फॉर्मेट लिख दिया वाई ऑन का भी हमने फॉर्मेट लिख दिया बट ये इक्वेशन बनेगी कैसे उस इक्वेशन को हम डिराइव कैसे करेंगे तो उसका फॉर्मूला अब हमें लिखना है ठीक है तो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन x ऑन y को बनाने का फॉर्मूला इक्वेशन x ऑन y किस तरह से बनेगी तो x1 y के लिए x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इन वाई माइनस वाई बार ये क्या हमारा फॉर्मूला अब इस फॉर्मूले में एक्स एंड इट इज़ रहेंगे बिकॉज़ हमें इन दो वेरिएबल्स के लिए इक्वेशन बनानी है तो एक्स और वाई तो एज इट इज रहेंगे अब हमें वैल्यू क्या पुट करनी है एक्स बार एक्स बार का मतलब सीरीज एक्स का मीन एक्स सीरीज का मीन हमें रखना है वाई बार मीन्स वेरिएबल वाई या सीरीज वाई का मीन एंड बी एक्स वाई इस बी एक्स वाई का क्या मतलब है बी एक्स वाई इज द रिग्रेशन कोफिशियंट बी एक्स वाई क्या होता है रिग्रेशन कोफिशियंट सिमिलरली हम क्या करेंगे इक्वेशन वाई ऑन एक्स कैसे डिराइव होगी इसका भी पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं y minus y bar equals to b y x into x minus x bar so this is also the formula for deriving the equation y on x तो इस तरह से हम वाई ऑन एक्स को डिराइव कर सकते हैं अब यहां जो हमने लिखा है बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स ये दोनों क्या है बी एक्स वाई एंड बीवाई एक्स ये दोनों क्या है इन दोनों को हम क्या कहेंगे दीस टू आर नोन एज रिग्रेशन कोफिशेंट रिग्रेशन कोफिशेंट बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स इन दोनों को हम क्या कहते हैं रिग्रेशन कोफिशियंट जिस तरह से को रिलेशन कोफिशियंट होता है दैट इज स्म उसी तरह से क्या होता है रिग्रेशन कोफिशियंट और रेग्रेशन कोफिशियंट यानी कि बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स सो रिलेशन कोफिशियंट तो एक ही होता है बट रिग्रेशन कोफिशियंट दो होंगे रिग्रेशन कोफिशियंट किसके लिए इक्वेशन एक्स ऑन वाई के लिए और दूसरा रिग्रेशन कोफिशियंट वाई ऑन एक्स के लिए वाई ऑन एक्स के लिए तो रेग्रेशन कोफिशियंट लिख लेते हैं फिर से एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स एक्स ऑन वाई का रेग्रेशन कोफिशियंट कौन सा है बी एक्स वाय एंड वायोन एक्स का रिग्रेशन कोफिशियंट कौन सा है बी वाई एक्स ये दोनों कौन है रिग्रेशन कोफिशियंट फाइन सो ये पेज जो आपकी अब स्क्रीन पे है ये हमारा पूरा बेसिक है इस चैप्टर का यही सबसे इंपॉर्टेंट है ये बेसिक अगर हमें समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे फाइन चलिए अब आते हैं नोट्स के ऊपर नोट्स में देखें क्या क्या आपको गिवन है एंड वन मोर थिंग कि अभी हम हमने जो यहां पर बात की है रिग्रेशन इक्वेशंस तो रिग्रेशन इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है जो तरीका है उसका एक नेम हमें लिखना है मेथड टू सॉल्व ग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज उसे हम क्या कहेंगे रिग्रेशन इक्वेशन को सोल्व करने का जो तरीका है दैट इज नोन एज मैथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर इसे हम कहेंगे मैथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर या लीस्ट स्क्वेयर मैथड रिग्रेशन इक्वेशन को जो सॉल्व करने का तरीका है दैट इज नोन एज Least square मेथड फाइन चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पैराग्राफ पे जो क्या लिखा है रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न विद एस्टिमेटिंग हमें क्या करना है एस्टिमेट करना है द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वैल्यू को एस्टिमेट करना है करस्पॉन्डिंग टू अ नोन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो इनडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हमें पता होगी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कि दो वेरिएबल में जिस तरह की भी रिलेशनशिप बनी होगी इक्वेशन बनी होगी उस बेसिस पे हमें वैल्यू को एस्टिमेट कर लेना है चलिए अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे बेसिक क्वेश्चन पे आएंगे पहले ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट इज सिंग एस्टेब्लिशिंग मैथामेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दो वेरिएबल के बीच में मैथामेटिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है सेकेंड क्या लिखा है मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन बिट्वीन दसोसिएशन यानी कि को की बात आ गई तो को तो ये कैलकुलेट नहीं करता है तो बी इज रॉन्ग ए हमें सही लग रहा था बी गलत है सी पे आते हैं प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो वेरिएबल डिपेंडेंट है उसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करना एस्टिमेट करना फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इनडिपेंडेंट वेरिएबल इनडिपेंडेंट की हेल्प से डिपेंडेंट की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना सो सी ऑप्शन भी हमें सही लग रहा है सो फाइनल आंसर विल बी डी बोथ ए एंड सी

इक्वेशन ऑफ एज ऑन ब्लड प्रेशर कौन सी इक्वेशन तो जैसे हम मान लेते हैं एक्स डिपेंडेंट है एंड वाई इनडिपेंडेंट तो ब्लड प्रेशर क्योंकि यहां डिपेंडेंट है इसको हमने माना है एक्स एंड एज क्या है इनडिपेंडेंट एज पर डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर तो एक्स डिपेंडेंट है कौन सी इक्वेशन का हम में लेंगे एक्स ऑन वाई दैट मीन्स ब्लड प्रेशर ऑन एज ब्लड प्रेशर ऑन एज तो हमें ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेना है फाइन। थर्ड इन लीनियर इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई दिस बी इज बी को हम क्या कहेंगे बी इज द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन ये रिग्रेशन लाइन का क्या है स्लोप है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर फोर द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वाई आर बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ ये कौन से मेथड पे बेस्ड है दोनों आंसर इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव द लाइन वाईक्वल टू टेन माइनस फाइव एक्स बाय टू इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ ये कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन है वाई ऑन एक्स या एक्स वन वाई तो हम क्लियरली देख सकते हैं ये कौन से फॉर्मेट में है वाई इज इक्वल टू ए प्लस तो y इज इक्वल टू में है दैट मीन्स इक्वेशन y ऑन x. एंड सिक्स x इज इक्वल टू फोर्टीन बाय थ्री माइनस वाई बाय थ्री तो ये इक्वेशन कौन सी है x ऑन y. x ऑन y. फाइन तो यहां तक तो हो गया अभी हमारा बेसिक पोर्शन अब हमें क्या करना है वो देखते हैं अब हमें एक तो लिखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस एंड दूसरा है फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशियंट तो पहले हम लिखेंगे फॉर्मूलेस चलिए नोटबुक निकाल लें और वन बाय वन लिखते हैं फॉर्मुलिस फर्स्ट फॉर्मूला लिखना है फर्स्ट में लिखेंगे वेन आर नीटा एक्स एंड नीटा वाई इज गिवन। जब ये तीनों वैल्यूज हमें पता होगी गिवन होगी तो फिर हम रिग्रेशन कोफिशियन कैसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास दो रिग्रेशन कोफिशियंट है बी एक्स वाई एंड बीवाई एक्स इन दोनों के फॉर्मूले हमें लिखने हैं सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला फॉर बी एक्स वाई बी एक्स वाई के लिए लिखेंगे आर इन नीटा एक्स अपॉन नीटा वाई आर मल्टीप्लाई बाय नीटा एक्स डिवाइडेड बाय नीटा वाई ये फॉर्मूला किसका है बी एक्स वाई सिमिलरली बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आर इन टू नीटा वाई अपॉन नीटा एक्स ये हो गया बी वाई एक्स का फॉर्मूला नाउ सेकेंड फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड, direct method. Direct method. So, अब हमें क्या करना है जो फॉर्मूला हमने को रिलेशन में लिखा था वही फॉर्मूला हमें वापस रिकॉल करना है और उसी फॉर्मूले से हम यहां पर एक्सट्रैक्ट करेंगे लगभग वैसा ही फॉर्मूला यहां पर आपको देखने को मिलेगा चलिए लिखते हैं bxy एक्स वाई इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इन टू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय अब हमने वहां पे क्या लिखा था रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर तो हमें रूट यूज नहीं करना है हमें रूट यहां पर नहीं लगाना है देन एक्स एंड वाई दोनों पार्ट हमने वहां पे लिखे थे बट यहां पर एक ही पार्ट आएगा डिनोमिनेटर में बी एक्स वाई है तो लास्ट में क्या वैल्यू है वाई तो नीचे वाई वाला पोर्शन ही हमें मेंशन करना है सो so, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर ठीक exactly है ओनली वाई का पार्ट आएगा न्यूमरेटर एग्जैक्टली सेम है डिनोमिनेटर में ओनली वाई का पोर्शन हमें लिखना है एंड स्क्वायर रूट यूज नहीं करना है सिमिलरली वाई एक्स के लिए एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय इस बार हम फाइंड कर रहे हैं बी वाई एक्स तो लास्ट में क्या है एक्स तो एक्स वाली वैल्यूज हमें अपॉन में लिखनी है एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस sigma x ka whole square so this is the second method which is known as direct method okay ab at third one third is known as shortcut method थर्ड वन इज शॉर्टकट मैथड शॉर्टकट में हमें पता है डीएक्स का मतलब क्या है डेविएशन इज टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन एक्स माइनस ए एंड डी वाई वाई माइनस ए तो जो हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है उसमें सिंपली एक्स को रिप्लेस करना है डीएक्स के साथ एंड वाई को रिप्लेस करना है dy के साथ में रेस्ट ऑल इज सेम तब तो लिखेंगे एन सेग्मा डीएक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सेगमा डी वाई अपॉन एन सिग्मा डीवाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर सिमिलरली बी बीवाई एक्स के लिए एन सिग्मा डीएक्स डी वाई माइनस सिग्मा डीएक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन सिग्मा डीएक्स स्क्वेर माइनस सिग्मा डीएक्स का होल स्क्वेर ओके

वाई माइनस वाई बार जो हमारा फॉर्मूला नंबर थ्री है शॉर्टकट मेथड इसमें सिग्मा डीएक्स विल बिकम जीरो जो हमने सिग्मा डीएक्स लिखा है ये बन जाएगा जीरो सिग्मा डी वाई विल ऑल्सो बिकम जीरोन अपॉन में सिग्मा डी वाई होल स्क्वायर इज ऑल्सो जीरो अब जो पीछे बच गया वो हमारा फॉर्मूला सो एन एंड एन ऑल्सो गॉट कैंसल्ड सो फाइनल फॉर्मूला इज सिग्मा डीएक्स डी वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा डी वाई स्क्वायर। सिग्मा डीएक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी वाई स्क्वायर। सिमिलरली फॉर बी वाई एक्स बीवाई एक्स के लिए क्या होगा सिग्मा डीएक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी एक्स स्क्वे सो दीज आर द फोर फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशियंट नोट कर लें इस अच्छे से फिर हम लिखेंगे आगे प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन आगे चले सो राइट द नेक्स्ट हेडिंग प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज़। पॉइंट नंबर वन फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे टू रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट ईच अदर च अदर एट मीन्स दैट इज एक्स बार कॉमर वाई बार दोनों रिग्रेशन लाइन होगी एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट होगी और जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे मीन दैट इज एक्स बार एंड वाई बार सो लाइक दीज आर द टू रिग्रेशन लाइन्स तो जो दोनों का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे हम कह देंगे एक्स बार एंड वाई बार सेकेंड सेकेंड में लिखें इफ रिग्रेशन लाइंस इफ रिग्रेशन लाइंस are perpendicular If regression lines are perpendicular to each other perpendicular to each other then then R is equal to जीरो जब रिग्रेशन लाइन कैसी है परपेंडिकुलर दैट मींस एक लाइन हॉरिजॉन्टल है और दूसरी वर्टिकल तो दैट मींस दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है एक वर्टिकल है और दूसरी हॉरिजॉन्टल। सो देर इज नो को रिलेशन बिटवीन देम आर की वैल्यू जीरो थर्ड लिखेंगे इफ इफ regression lines if regression lines are coincident if regression lines are coincident then then r is equal to plus 1 or minus 1 जब आर की वैल्यू क्या होगी प्लस वन एंड माइनस वन सो लाइन्स विल बी को इंसिडेंट को इंसिडेंट का मतलब दोनों लाइन या दोनों इक्वेशन जो है उनकी कॉमन लाइन बन रही है इक्वेशन तो दो है बट दोनों इक्वेशन के लिए सिंगल लाइन है दूसरी लाइन हमें नजर नहीं आ रही है या तो दोनों इक्वेशन इस तरह की है कि लाइन राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट है या फिर एक की लेफ्ट टू राइट है और दूसरे की राइट टू लेफ्ट बट लाइन कैसी है सिंगल लाइन है तो उसे हम क्या कहेंगे को तो जब रेग्रेशन लाइन को है सिंगल लाइन है तो उस केस में आर की वैल्यू होगी प्लस वन या फिर माइनस वन एंड को रिलेशन चैप्टर के लास्ट पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था इन केस ऑफ सिंगल इक्वेशन आर की वैल्यू क्या होगी प्लस वन या फिर माइनस वन नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर फोर में लिखना है आर दैट इज रेग्रेशन कोफिशियंट कॉमा बी एक्स वाई कॉमा बी वाई एक्स आर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स मस्ट हैव सेम साइन इन तीनों के साइन क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए तीनों के साइन ऑलवेज कैसे होने चाहिए सेम दैट मींस ऑल पॉजिटिव या फिर ऑल नेगेटिव या तो सारे पॉजिटिव होंगे या फिर सारे नेगेटिव होंगे ऐसा नहीं कि तीन में से दो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव ठीक है तो सारे ही क्या होंगे पॉजिटिव या सारे नेगेटिव नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट नंबर फाइव कोरिलेशन रिलेशन कोफिशियंट को कोफिशियंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशियंट कोरिलेशन कोफिशियंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशियंट इस स्टेटमेंट से हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कैसे हमने लिखा कोरिलेशन रिलेशन कोफिशियंट दैट मींस आर आर क्या है जोमेट्रिक मीन है तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या करते हैं रूट लगाते हैं और अंदर ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे अब यहां पर ऑब्जर्वेशन कौन से आएंगे रिग्रेशन कोफिशियंट रिग्रेशन कोफिशियंट का मतलब बी एक्सवाई एंड बी वाई एक्स सो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स तो को रिलेशन कोफिशियंट क्या है इट इज सिंपली द जोमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशियंट फाइन सो अगर आर की वैल्यू अगर ज्योमेट्रिक मीन है दैट दीन्स आर इन दोनों के बीच में लाई करेगा वैल्यू ऑफ आर विल लाई बिटवीन बी एक्स वाई एंड बीवाई एक्स इन दोनों के बीच में कहीं आर की वैल्यू लाइ करेगी ठीक है so, सो these आर द प्रॉपर्टीज ऑफ regression coefficient या रिग्रेशन lines. एक और पॉइंट हम इसमें ऐड कर लेते हैं रिग्रेशन कोफिशियंट रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन रिग्रेशन कोफिशियंट रिमेन्स अनअफेक्टेड रिग्रेशन कोफिशियंट पे किसका फर्क नहीं पड़ता है चेंज इन ओरिजिन का But gets affected due to change in scale. But gets affected due to change in scale. तो चेंज इन स्केल का इंपैक्ट तो आता है बट चेंज इन ओरिजिन का नो इफेक्ट ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं होगा बट चेंज इन स्केल का इफेक्ट होगा Fine. तो ये हो गई सारी प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस अब एक बार फास्ट रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने आज डिस्कस किया है सबसे पहले बात आती है रिग्रेशन रिग्रेशन क्या करता है एक मैथामेटिकल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है, कौन से है? एक और दूसरा इनडिपेंडेंट वेरिएबल फिर हमने बात की थी इट वैल्यू किसकी है, है. किसकी हेल्प से इनडिपेंडेंट वेरिएबल की से. फिर अगर हमें x की गिवन है तो y फाइंड करना है और y गिवन है तो फिर हमें x फाइंड आउट करना है So, x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो कौन सी इक्वेशन काम में लेंगे तो हमने डिस्कस किया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और y की वैल्यू गिवन है तो यूज करेंगे इक्वेशन x ऑन y x ऑन y का फॉर्मेट क्या होता है x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई और इस इक्वेशन में x को क्या कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमें कैलकुलेट करना है एंड वाई इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमें गिवन होगा बी इज नोन एज स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन और साथ में ये बी क्या है हमारा रिग्रेशन कोफिशेंट इस इक्वेशन को बनाने का जो फॉर्मूला है वो हमने नीचे लिखा था दैट इज एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इन टू वाई माइनस वाई बार तो हमें तीन चीजें रिक्वायर्ड है इक्वेशन बनाने के लिए पहली एक्स बार दूसरी वाई बार और तीसरी बी एक्स वाई बी एक्स वाई क्या है डिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ इक्वेशन एक्स ऑन वाई सिमिलरली अगर हमें y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है तो हम यूज करेंगे इक्वेशन y ऑन x. y ऑन x का फॉर्मेट y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ये इक्वेशन में x क्या है इंडिपेंडेंट एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल b को हम क्या कहेंगे स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन देन वाई ऑन एक्स इक्वेशन बनानी है तो उसका फॉर्मूला वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार तीन चीजें यहां भी रिक्वायर्ड है एक्स बार वाई बार एंड देन बी वाई एक्स ये तीन चीजें हमें रिक्वायर्ड है चलिए फिर आते हैं हम आगे अब हमें बी एक्स वाई एंड बीवाई एक्स अगर कैलकुलेट करना है तो चार फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल है पहला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा वेन आर नीटा एक्स एंडा वाई जब ये तीन चीजें गिवेन होगी तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और फर्स्ट फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है नीटा नीटा अपॉन सिमिलरली फॉर जो आता है वो आया है फ्रॉम द चैप्टर को रिलेशन को रिलेशन में काल पियर्सन का डायरेक्ट मेथड तो न्यूमरेटर एग्जैक्टली exactly वही है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा वाई स्क् माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर स्क्स वाई है लास्ट में वाई है तो अपॉन में वाई वाली वैल्यूज हमें लिखनी है और बी वाई एक्स के लिए अपॉन में एक्स वाली वैल्यूज हमें लिखनी है शॉर्टकट मेथड है एक्स को रिप्लेस कर देंगे डी के साथ वाई को रिप्लेस कर देंगे डी के साथ एंड लास्ट में यूजिंग मीन डेविएशन इज टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन तो फॉर्मूला बड़ा सिंप्लीफाइड बन जाता है तो ये हो गए हमारे चारों फॉर्मूले फिर हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों रिग्रेशन लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या कैलकुलेट होगा मीन दैट इज एक्स बार एंड वाई बार सेकंड हमने क्या पढ़ा था इफ रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर दैट मींस 90 डिग्री का अगर एंगल बनता है परपेंडिकुलर है तो उन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है आर की वैल्यू क्या होगी जीरो थर्ड पॉइंट में हमने बात की इफ रिग्रेशन लाइंस आर इंसिडेंट दैट मीन एक सिंगल लाइन है दोनों इक्वेशन के लिए तो आर की वैल्यू प्लस वन या फिर माइनस वन फोर्थ पॉइंट पे हमने पढ़ा है R, Bxy Byx. इन तीनों के साइन ऑलवेज कैसे होने चाहिए सेम होने चाहिए या तो सारे पॉजिटिव या फिर सारे नेगेटिव देन पॉइंट नंबर फाइव में हमने बात की है कोरिलेशन रिलेशन क्या होता है इट इज जोमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशियंट दैट मीन रूट ऑफ बी एक्स वाई इन टू बीवाई एक्स एंड लास्ट वन लास्ट में हमने पढ़ा है रिग्रेशन कोफिशियंट रिमेन अनअफेक्टेड फर्क नहीं पड़ता है किसे चेंज इन ओरिजिन से बट गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन स्केल स्केल का इंपैक्ट आता है फाइन तो ये हो गई हमारी आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे ठीक है तो यहां तक आप सारे फॉर्मुलेस पढ़ के आए ताकि क्वेश्चन करने में हमें काफी इंटरेस्ट आएगा मजा आएगा चैप्टर स्कोरिंग है और एग्जाम में आप इसे जल्दी सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बनी रहेगी ओके टिल देन बाय बाय टेक केयर गुड मॉर्निंग क्लास प्रीवियस क्लास में हमने शुरू किया था चैप्टर रिग्रेशन और रिग्रेशन का बेसिक पोर्शन हमने फिनिश कर लिया था और आज हमें करने हैं कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चन ओके तो होप आप सबने फॉर्मुलेज रिवाइज कर लिए होंगे अच्छे से याद किए होंगे बिकॉज जब तक फॉर्मुलेज याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं होगा एंड साथ में जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी वो प्रॉपर्टीज भी हमें याद होनी चाहिए फाइन चलिए उसी पे बेस्ड आज हम क्वेश्चन करते हैं लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स तक डिस्कस कर लिया था अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवन पे इफ रिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई इज माइनस वन बाय सिक्स क्या गेबन हमें रिग्रेशन कोफिशियंट किसका का एक्स ऑन वाई का तो एक्स वाई का रिग्रेशन कोफिशियंट कौन सा होता है ये होगा बी एक्स वाई तो बी एक्स वाई हमें दे रखा है दैट इज माइनस वन बाय सिक्स एंड देट ऑफ वायोन एक्स वायोन एक्स का कोफिशियंट जिसका मतलब है बी बायक्स बी बाय एक्स ये हमें दे रखा है कितना माइनस थ्री बाय टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ को रिलेशन कोफिशियंट बिट्वीन एक्स एंड वाई तो एक्स और वाई का को रिलेशन कोफिशियंट दैट इज आर आर क्या होगा ये हमें फाइंड आउट कर लेना है सो आर का फॉर्मूला हमने जो लिखा था दॉज आर के क्या लिखा था रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स बी एक्स वाई इंटू वाई एक्स ये फॉर्मूला हमने लिखा था सो रूट ऑफ बी एक्स वाई कितना है माइनस वन बाय सिक्स इंटू माइनस थ्री बाय टू माइनस वन बाय सिक्स इंटू माइनस थ्री बाय टू अब क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करना है और हमारा उससे आंसर आ जाएगा कुछ कैंसलेशन होंगे तो क्या कैंसलेशन हो गया थ्री एंड सिक्स को हमने कैंसिल किया पीछे बचा वन बाय फोर एंड वन बाय फोर का स्क्वायर रूट है वन बाय टू आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव माइनस वन बाय टू और माइनस जीरो पॉइंट फाइव ऑप्शन नंबर डी सबसे इंपॉर्टेंट यह हमें ध्यान क्या रखना है प्रॉपर्टी के अंदर हमने लिखा था आर बी एक्स वाई एंड बी एक्स बी एक्स वाई एंड वाई एक्स मस्ट हैव सेम साइन इन तीनों के साइन ऑलवेज सेम होने चाहिए या तो तीनों होंगे पॉजिटिव या फिर तीनों नेगेटिव तो इन सब के साइन ऑलवेज सेम होने चाहिए यह हमें ध्यान रखना है ठीक है तो साथ में हमने ज्योमेट्रिक मीन के अंदर भी पढ़ा था इफ ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन भी क्या होगा नेगेटिव होगा और हम यहां पर बेसिकली क्या करते हैं रिग्रेशन कोफिशियंट का ज्योमेट्रिक मीन जब लेंगे तब क्या आता है को रिलेशन कोफिशियंट सो इन शॉर्ट ऑल आर बी एक्स वाई एंड बीवाई एक्स मस्ट हैव सेम साइन इधर पॉजिटिव और नेगेटिव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट टू रिग्रेशन लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट एट मीन्स दोनों रिग्रेशन लाइन कहां इंटरसेक्ट होगी मीन पे दैट मींस एक्स बार और वाई बार वहां से निकल के सामने आएगा सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ऑप्शन ए नाइन व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशियंट इन दोनों की लिमिट क्या है और लिमिट के लिए क्या कहेंगे पहला ऑप्शन कह रहे नो लिमिट सेकेंड वन मस्ट बी पॉजिटिव थर्ड वन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव एंड लास्ट वन प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशियंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी तो देखा जाए तो जो हमारा फॉर्मूला है आर इक्वल टू रूट ऑफ बी एक्स वाई बी वाई एक्स तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट वन से ज्यादा हुआ तो आर विल एक्सीड वन विच इज नॉट पॉसिबल तो इसलिए हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए लिमिट तो है और वो लिमिट क्या होगी कि इनका जो प्रोडक्ट है वन से कम होना चाहिए बिकॉज वन से ज्यादा हुआ तो आर की वैल्यू भी क्या होगी वन से ज्यादा होगी विच इज नॉट पॉसिबल और हम ये भी नहीं कह सकते कि ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा बिकॉज वैल्यूज कैन बी नेगेटिव ऑल्सो और वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव तो बिल्कुल ही गलत है बिकॉज तीनों के साइन ऑलवेज सेम होने चाहिए इन शॉर्ट फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ओके नेक्स्ट टेन रिग्रेशन कोफिशियंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू किसका इफेक्ट नहीं होता है चेंज इन ओरिजिन ओके नेक्स्ट इफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर नेगेटिव अगर ये दोनों नेगेटिव है तो आर क्या होगा आर विल ऑल्सो बी नेगेटिव टेशन कोफिशियन आर लाइज बिटवीन रिगेशन कोफिशियन बीवाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर की वैल्यू क्या इन दोनों के बीच में ऑलवेज लाई करेगी आंसर इज यस बिकॉज आर क्या है ज्योमेट्रिक मीन है इन दोनों का और कोई भी मीन हम कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑलवेज उनकी वैल्यूज के बीच में ही कहीं आएगा इनसे ज्यादा नहीं हो सकता या इनसे कम नहीं हो सकता तो आर की वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में ही लाए करेगी सो आंसर इज ट्रू नेक्स्ट इज थर्टीन बी एक्स वाई एंड बीवाई एक्स की वैल्यूज हमें गिवन है एंड फाइंड करना है कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन नाउ डिटर्मिनेशन हमने क्या पढ़ा था इट इज स्क् को रिलेशन कोफिशियंट तो सिंपली आर स्क्वेयर कैलकुलेट करना है और ये कैसे आ जाएगा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स स्क्वेयर रूट हमने रिमूव कर दिया तो सामने क्या आ गया आर स्क्वेयर सो जीरो पॉइंट फोर इंटू वन पॉइंट सिक्स सो आंसर विल बी जीरो पॉइंट सिक्स फोर जीरो पॉइंट सिक्स फोर दिस इज कोफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन ओके परफेक्ट तो ये सारे क्वेश्चन हो गए जो कि हमारी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है अब हम कहा मूव करेंगे अब हम एक सीरीज लेते हैं सीरीज एक्स एंड वाई और इन सीरीज से हम पहले कैलकुलेट करेंगे रिग्रेशन कोफिशियंट कि किस तरह से कोफिशियंट की कैलकुलेशन की जाती है ओके तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं एक्स एंड y एक्स एंड y हमें गिवन है

दिस इज द गिवन सीरीज और हमें इस सीरीज से क्या करना है हमें फाइंड आउट कर लेना है बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स अब बी एक्स वाई एंड बीवाई एक्स के लिए हमने फोर फॉर्मूलेस लिखे थे तो उसमें से पहले हम इसे सॉल्व करेंगे यूजिंग डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था वो लिख लेते हैं पहले direct method bxy is equal to n sigma xy minus sigma x into sigma y upon n sigma y square minus sigma y ka whole square so this is the formula for bxy बी एक्स वाई के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है X का टोटल एंड देन y का टोटल सो टोटल ऑफ X, X का टोटल कितना लिखेंगे 30 एंड Y का टोटल ये हमें लिखना है 45। X का टोटल 30 एंड Y का 45। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है X स्क्वायर एंड Y स्क्वायर, X स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक और चीज रिक्वायर्ड है दट इज एक्स वाई ये सब हमें कैलकुलेट करना है सो एक्स का स्क्वायर टू स्क्वायर इज फोर एट स्क्वायर इज सिक्सटी फोर एंड ट्वेंटी स्क्वायर इज फोर हंड्रेड अब इन सबका टोटल दैट इज फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी एट फोर सिक्सटी एट नाउ अब क्या रिक्वायर्ड है वाई स्क्वायर इन हंड्रेड हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव टोटल इज वन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव एक्स वाई एक्स वाई कैसे निकालेंगे एक्स इंटू वाई इज सिक्सटी एटी एंड देन ट्वेंटी इंटू फाइव इज हंड्रेड सो टू हंड्रेड एंड फोर्टी तो ये सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट कर ली है अब वैल्यूज पुट करते हैं बी एक्स वाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर थ्री थ्री ऑब्जर्वेशन है हमारे पास सिग्मा एक्स वाई टू फोर्टी माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स कितना है थर्टी इंटू सिग्मा वाई फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाय एन एनएस थ्री इंटू सिग्मा बाय स्क्वायर वन जीरो टू फाइव माइनस सिग्मा बाय फोर्टी फाइव का होल स्क्वायर अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें और फिर देखें क्या वैल्यूज आती है पटाफट से इसे सॉल्व करें So, यहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं बी एक्स वाई एंड बी एक्स वाई की फाइनल वैल्यू बी एक्स वाई की फाइनल वैल्यू माइनस जीरो पॉइंट सिक्स माइनस जीरो पॉइंट सिक्स सिमिलरली अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे बी वाई एक्स सो बी वाई एक्स का फॉर्मूला एन सेग्मा एक्स वाई माइनस सेगमा एक्स इंटू सेगमा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वेर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वेर दिस इज द फॉर्मूला अब सारी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है सिंपली वैल्यू पुट करेंगे और आ जाएगा आंसर तो चलिए एन कितना गिवेन हमें पुट करते हैं एन इज थ्री सिग्मा एक्स वाई एस टू फोर्टी न्यूमिनेटर एग्जैक्टली सेम है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा सो माइनस हमें करना था इसमें से माइनस थर्टी इंटू फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाय n is 3 sigma x square 468 minus sigma x is 30 30 ka whole square so this is minus 1.25 minus 1.25 so this is the value of b y x फाइन सो अगर हमें सीरीज गिवन है तो सीरीज की हेल्प से हम रिग्रेशन कोफिशियंट को कैलकुलेट कर सकते हैं बी एक्स वाई एज वेल एज बी वाई एक्स ओके नाउ रिग्रेशन कोफिशियन कैलकुलेट करने के बाद में अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन अब हमें रिग्रेशन इक्वेशन को कैलकुलेट करना है अब रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी होती है देर आर टू इक्वेशन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई चलिए एक्स ऑन वाई एक्स ऑन वाई इक्वेशन कौन सी होती है एक्स वन वाई इज एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बीवाई एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बीवाई ये इक्वेशन हमें बनानी है और इस इक्वेशन का एक फॉर्मूला जो हमने लिखा था फॉर्मूला क्या था एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इन टू वाई माइनस वाई बार इनस वाई बार ओके अब इसमें हम क्या करेंगे वैल्यूज पोट करेंगे तो हमें पहले रिक्वायर्ड होगा एक्स बार एज वेल एज वाई बार तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स बार के लिए क्या करना है हमें थर्टी डिवाइडेड बाय थ्री दैट इज टेन एंड वाई बार वाई बार के लिए फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई थ्री इज 15, सो so, ये आ गया हमारा मीन एक्स बार एंड वाई बार अब वैल्यू पुट करेंगे एक्स माइनस टेन इक्वल्स टू बी एक्स वाई माइनस जीरो पॉइंट सिक्स इन टू वाई माइनस फिफ्टीन सो एक्स इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट सिक्स वाई प्लस नाइन एंड प्लस टेन इज नाइनटीन सो फाइनली इक्वेशन को हम अरेंज करके लिखते हैं एक्स इक्वल्स टू नाइनटीन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स वाई जीरो पॉइंट सिक्स वाई सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ये हमारी फाइनल इक्वेशन पाइट तो इस तरह से हमने ये बनाई है इक्वेशन एक्स ऑन वाई सिमिलरली क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन हम बनाते हैं y ऑन x. y ऑन x और y ऑन x का फॉर्मेट आपको पता ही है दैट इज y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाईक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स अब हम क्या करेंगे यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इन टू एक्स माइनस एक्स बार दिस इज द फॉर्मूला अब हमारे पास x बार y बार ये दोनों अवेलेबल है वैल्यू पुट कर दें y माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू माइनस वन पॉइंट टू फाइव इन टू एक्स माइनस एक्स बार कितना है टेन सो वाई इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस वन पॉइंट टू फाइव प्लस ट्वेल्व पॉइंट फाइव एंड प्लस फिफ्टीन दिस इज द इक्वेशन एंड फाइनली हम इसे अरेंज कर लेते हैं सो वाई

तो इस तरह से हमें बना देनी है रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स ठीक है तो हमें सिर्फ दो सीरीज गिवन थी सीरीज की हेल्प से हमने रिग्रेशन कोफिशियन फाइंड कर लिया हमने दोनों इक्वेशन कैलकुलेट कर ली है चलिए अब अगर मान लीजिए अब से ये पूछा जाता है फाइंड को रिलेशन तो कैसे निकाल सकते हैं तो को के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है दैट इज आर इज इक्वल टू रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू वाई एक्स सो माइनस पॉइंट सिक्स इंटू माइनस वन पॉइंट टू फाइव माइनस वन पॉइंट टू फाइव तो इसको सॉल्व कर लें पॉइंट सिक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे वन पॉइंट टू फाइव से, से. So, कितना आता है पॉइंट सेवन फाइव एंड 0.7 सेवन का स्क्वायर रूट जीरो पॉइंट एट डबल सिक्स सो माइनस जीरो पॉइंट एट सिक्स दिस इज द को रिलेशन को सिंगल क्वेश्चन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं एक पार्ट अभी हम और करेंगे फाइन तो चलिए सबसे पहला काम हमें क्या करना था बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स निकालना था तो डायरेक्ट मैथड के लिए हमने सिग्मा एक्स कैलकुलेट किया सिग्मा वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई स्क्वायर एंड देन फाइनली सिग्मा एक्स वाई ये पांच चीजें पहले हमने कैलकुलेट की किसके लिए रेगुलेशन कोफिश के लिए फिर हम चाहे तो इससे आर निकाल सकते हैं दैट इज कोरिलेशन रेगुलेशन तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया फिर अगर पूछा जाए फाइंड द इक्वेशन एक्स ऑन वाई एंड ऑन एक्स तो वो भी हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली है ठीक है चलिए अब मानते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन गिवन है कौन सी वाली जो हमने अभी कैलकुलेट की है एक्स ऑन वाई ओनली एक्स ऑन वाई ये सिंगल इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है ठीक है अब फाइंड क्या करना है और क्वेश्चन ने कह दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई तो क्या आंसर करेंगे क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई तो हमारा आंसर क्या होगा ये आपको बताना है चलिए आंसर इज वेरी वेरी सिंपल इस इक्वेशन में जो y के पास में वैल्यू रखी है जो वैल्यू ये y के पास में है दट इज माइनस जीरो पॉइंट सिक्स इसी को हम क्या कहेंगे बी एक्स वाई तो सीधा हमने इक्वेशन को देख के आंसर निकाल लिया माइनस जीरो पॉइंट सिक्स एंड सिमिलरली दूसरी इक्वेशन अगर दे रखी है वाई ऑन एक्स वाली तो उसमें भी ऐसा ही है एक्स के पास में जो वैल्यू है दैट इज माइनस वन पॉइंट टू फाइव इसको हम क्या कहेंगे बी वाई एक्स माइनस वन पॉइंट टू फाइव तो इस तरह से हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं रिग्रेशन कोफिशंस की ठीक है तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं तो हमें ध्यान रखना है ऐसा क्वेश्चन बहुत सिंपल है हमारे माइंड में आ सकता है एग्जाम में कितना सिंपल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट क्या हमसे पूछ सकती है तो आंसर इज यस बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और हम उसे छोड़ के भी आ जाते हैं इतनी बड़ी हमारी गलती हो जाती है एग्जाम में आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है एक एक बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो अपने आप आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे फाइन अब चलिए लास्ट पार्ट जो हमें डिस्कस करना है इफ वैल्यू ऑफ वाई इज टेन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अगर वाई की वैल्यू हमें पता है और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड आउट होगा तो उसके लिए हमें इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट कर देनी है तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या करना है इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बट द पॉइंट इज कौन सी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स बताइए अब काफी स्टूडेंट आंसर करते हैं कि किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें आंसर तो आ ही जाएगा बट दिस इज द रॉन्ग दिस इज द रॉन्ग आंसर हमें क्या करना है वाई फाइन करना होता है तो वाई ऑन एक्स एंड एक्स फाइन करना है तो एक्स ऑन वाई लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था तो वही कंसेप्ट आपको यहां पर यूज करना है सो वाई इज given एंड एक्स calculate करना है सो यूज द इक्वेशन एक्स ऑन वाई तो एक्स ऑन वाई में इसे पुट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू नाइनटीन माइनस 0.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन सो एक्स इज इक्वल टू 13. तो so, अगर y 10 है x कितना होगा 13. सेकेंड पार्ट नाउ सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है इफ वैल्यू ऑफ x इज 15. फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई अगर एक्स की वैल्यू फिफ्टीन है वाई फाइंड करना है तो कौन सी इक्वेशन में पुट किया जाएगा वाई ऑन एक्स में है. तो चलिए वाई ऑन एक्स में पुट करते हैं ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट टू फाइव इंटू फिफ्टीन तो फिफ्टीन को मल्टीप्लाई करते हैं कैसे वन पॉइंट टू फाइव से 18.75 और इसको माइनस करना है फ्रॉम 27.5 तो फाइनल आंसर इज 8.75 8.75 तो इस एक क्वेश्चन में हमने बहुत सारे पार्ट्स एक साथ में डिस्कस कर लिए हैं तो एग्जाम में इस तरह का पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से कोई भी एक पार्ट आपसे पूछा जा सकता है फाइन तो हमने यहां पर यूज किया है कौन सा मेथड डायरेक्ट मेथड अब इसी क्वेश्चन को हम चाहे तो शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते थे कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट से हमें एज्यूम करना पड़ेगा एक्स सीरीज में से किसी को एक वैल्यू को हमने एज्यूम कर लिया एंड वाई में से भी हमने एज्यूम कर लिया देन उसके बाद डीएक्स dx, dx dy स्क्वायर एंड dx dy ये पांच चीजें हमें कैलकुलेट करनी है और फिर फॉर्मूले में डाल देनी है तो सारा प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है उसमें कोई बदलाव नहीं है कोई चेंज नहीं है ठीक है तो इसे आराम से नोट कर लें फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उस एग्जाम्पल को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है तो वो सारे क्वेश्चन आपसे अब इजिली हो जाएंगे तो एक बार फास्ट रिविजन नॉट कर लेते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें गिवन है सीरीज एक्स एंड सीरीज वाई दोनों सीरीज को हमने पहले क्या किया उनका सम फाइंड आउट किया दैट इज सिग्मा एक्स थर्टी एंड देमा वाई फोर्टी फाइव Then Bxy Byx को कैलकुलेट करने के लिए हमने कैलकुलेट किया एक्स स्क्वे वाई स्क्वायर एंड देन एक्स वाई ये तीनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली ये फाइंड आउट करने के बाद में बी एक्स वाई का फार्मूला एंड बी वाई एक्स का फार्मूला हमें यूज करना था ये फार्मूला यूज करते ही हमारे पास क्या आगे दोनों रिग्रेशन फिशेंट और दोनों रिग्रेशन कोफिशियंट जब कैलकुलेट होंगे तो हमें एक बार चेक कर लेना है दोनों के साइन सेम होने चाहिए अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गया है दैट मींस समथिंग कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं ना कहीं पे हो रही है ओके तो दोनों के साइन सेम होने चाहिए फिर हमने एक्स वन वाई को फाइंड आउट करने के लिए एक्स वन वाई का फॉर्मूला लिखा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार और सारी वैल्यूज उसमें पुट कर दी तो उससे क्या बन गई इक्वेशन एक्स वन वाई सेम हमने वाई ऑन एक्स के साथ भी किया वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार तो यहां से भी हमारी इक्वेशन आ गई दैट इज वाई ऑन एक्स ये दोनों को कैलकुलेट करने के बाद में क्या किया हमने को रिलेशन कैलकुलेट करना था द रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स और एट लास्ट लास्ट में हमें कुछ एस्टिमेट करना था इफ एक्स इज गिवन y एस्टिमेट करना है तो यूज करेंगे y ऑन x और अगर x फाइंड करना है एंड y इज गिवन तो यूज करेंगे x ऑन y इक्वेशन ठीक है चलिए अब आते हैं हम सेट के क्वेश्चंस पे टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन हमने फिनिश कर लिया था नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में क्या गिवन है द को रिलेशन कोफिशियंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज माइनस वन बाय टू सो माइनस वन बाय टू क्या है को रिलेशन कोफिशियंट मींस मीनस आर आर हमें गिवन है The value of bxy is वाई इज माइनस वन बाई एट दिस इज बी एक्स वाई फाइन क्या करना है बीवाई एक्स बीवाई एक्स की value calculate करनी है तो अब सोचें ये तो तीन चीजें एक साथ में आ रही है तो कौन सा formula applicable होगा Answer is simple. R equals to root of बी एक्स वाई ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है तो माइनस वन बाय टू इक्वल टू रूट ऑफ बी एक्स वाई इज माइनस वन अपॉन एट इंटू बी वाई एक्स अब सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं स्क्वायरिंग बुद्ध साइड्स तो वन बाय फोर इक्वल्स टू माइनस वन बाय एट इंटू बी वाई एक्स अब कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा फाइनल आंसर y x विल बी माइनस टू b y x आ गया है माइनस टू सो बी एक्स वाई बीवाई एक्स एंड आर तीनों के साइन से मैच हो रहे हैं और हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अब यहां पे गिवन क्या है गिवन एक्स बार इज 16 नीटा एक्स इज 4.8 वाई बार इज 20 एंड नीटा वाई इज 9.6 ये फोर वैल्यूज हमें गिवन है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई दैट मींस आर आर हमें दिया है 9 सॉरी uh, 0.6 वॉट विल बी द रिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ एक्स ऑन वाई एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन कोफिशियंट दीन्स बी एक्स वाई ये हमें कैलकुलेट करना है बी एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना है अब ये फाइंड आउट कैसे होगा तो देखिए वेन आर नीटा एक्स एंड नीटा वाई इज गिवेन ये फॉर्मूला हमने लिखा था तो बी एक्स वाईक्वल्स टू आर इंटू नीटा एक्स अपॉन नीटा वाई आर कितना है जीरो पॉइंट सिक्स नीटा एक्स इज फोर पॉइंट एट नीटा वाई नाइन पॉइंट सिक्स फाइनल आंसर जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री फाइन नेक्स्ट इज सिक्सटीन इफ वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल वाई डिपेंडेंट है एंड एक्स इज इनडिपेंडेंट वेरिएबल

y on x का रिग्रेशन कोफिशियंट हमें कैलकुलेट करना है तो जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन 15 किया बिल्कुल वैसे ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 16। सो दिस इज सिंपली योर होमवर्क नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा x एंड y इन दोनों के लिए हमें डेटा गिवन है दिस इज फॉर एक्स एंड दिस इज फॉर वाई नाउ अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स ये हमें दिया है एक्स बार एंड वाई के लिए वाई बार स्थान नीटा एक्स एंड नीटा वाई और एट लास्ट को रिलेशन दैट इज आर तो ये पांच वैल्यूज हमें दे रखी है फाइंड द रिग्रेशन कोफिशियंट रिग्रेशन कोफिशियंट हमें कैलकुलेट करने हैं तो कैसे कैलकुलेट होगा वो देखते हैं तो वेन आर नीटा एक्स एंड नीटा इज गिवेन ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट फॉर्मुले में तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा को रिलेशन सॉरी रिग्रेशन कोफिशियंट तो फर्स्ट पार्ट लिखते हैं बी एक्स वाई इक्वल टू आर इनटू नीटा एक्स अपॉन नीटा वाई आर इज जीरो पॉइंट फाइव इंटू नीटा एक्स इज टेन एंड नीटा वाई इज एट पॉइंट फाइव इन टू टेन अपॉन एट सो बी एक्स वाई इससे कितना आ जाएगा देखेंट फाइव इंटू टेन डिवाइडेड बाय एट जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव सिमिलरली बीवाई एक्स इक्वल टू आर इंटू नीटा वाई अपॉन नीटा एक्स आर इज जीरो पॉइंट फाइव इंटू नीटा वाई एट अपॉन नीटा एक्स इज टेन सो फाइनली कितना आएगा जीरो पॉइंट फोर b by x is 0.4. Now second, find the two regression equations. दोनों equation हमें calculate करनी है. अब दोनों regression equation को find कैसे करना है? तो formula हमें पता है. First is x on y. x on y के लिए x minus एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाय टू वाई माइनस वाई बार एक्स बार कितना के है? फोर्टी एक्स बार इज फोर्टी इक्वल टू बी एक्स वाई बी एक्स वाई अभी हमने फाइंड आउट किया जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव इंटू वाई माइनस वाई बार वाई बार इज एट्टी सो एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव वाई देन एटी को मल्टीप्लाई करना है कैसे पॉइंट सिक्स टू फाइव से एंड उसमें एडजस्ट हो जाएगा फोर्टी सो फाइनली कितना आएगा माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव वाई माइनस टेन दिस इज इक्वेशन एक्स ऑन वाई ओके इसी तरह से हम फाइंड करते हैं इक्वेशन वाई ऑन एक्स वाई ऑन एक्स वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार सो वाई माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी है एट्टी इक्वल्स टू बी वाई एक्स इज जीरो पॉइंट फोर इंटू एक्स माइनस एक्स बार इज फोर्टी सो वाई इक्वल्स टू पॉइंट फोर एक्स -16 and +80 is 64 so +64 this is equation y on x okay first part complete second part is also complete अब थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में क्या गिवन है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई वेन एक्स इज गिवन, वाई एस्टिमेट करना है जब एक्स कितना है टेन चलिए तो वाई फाइंड करना है तो इक्वेशन वाई ऑन एक्स में पुट करेंगे सो वाई इक्वल्स टू पॉइंट फोर इंटू टेन प्लस सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटी फोर फाइनल आंसर इज 4 प्लस सिक्सटी फोर सिक्सटी वाई की वैल्यू आ गई है 68। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 में सारी वैल्यूज इस बार निकाल करके दी है एंड फाइंड करना है रिग्रेशन कोफिशियंट कौन सा रिग्रेशन दोनों बी एक्स वाई एंड byx एक्स दोनों हमें कैलकुलेट करना है सिंपली होमवर्क आसानी से आप कर सकते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 19 में आप देखें क्या गिवन है द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बेस्ड ऑन फोर स्टूडेंट्स मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स एट ए सर्टिन एग्जामिनेशन तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आर फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी सो दिस इज एन एम ए दिया गया है एन मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एवरेज स्टैटिस्टिक्स को हमने मान लिया है एक्स सो दिस इज एक्स बार एक्स बार इज फोर्टी मेन मार्क्स इन इकोनॉमिक्स दिस इज वाई बार स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स नीटा एक्स नीटा एक्स इज ट्वेल्व एंड वेरियंट ऑफ मार्क्स इन इकोनॉमिक्स दैट इज नीटा वाई स्क्वायर, नीटा वाई स्क्वायर इज टू फिफ्टी सिक्स तो नीटा वाई कितना हो जाएगा रूट ऑफ टू फिफ्टी सिक्स दैट इज सिक्सटीन दिस इज नीटा वाई सम ऑफ मार्क्स फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव मीन फोर टू जीरो सेवन फाइव टू समा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है किसका डिविएशन का दैट इज फ्रॉम देर मीन ये हो गया सिग्मा डीएक्स डी वाई डीएक्स डी वाई ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है द एवरेज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ कैंडिडेट हु ऑप्टेन फिफ्टी मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इज लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें बताना चाह रही है कि वॉट वी हैव टू कैलकुलेट हमें आखिरकार फाइंड कर, करना क्या है यह सिर्फ और सिर्फ लास्ट लाइन हमें बता रही है तो इस लास्ट लाइन को दो बार अच्छे से पढ़ के अब एक बार सोच लें कि हमें करना क्या है क्या फाइंड आउट हम करेंगे फटाफट से एक बार चेक करके बताओ क्या फाइंड होगा 50 हमें क्या गिवन है एवरेज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ कैंडिडेट हु ऑप्टेन फिफ्टी मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स तो फिफ्टी मार्क्स कहां ऑप्टेन हुए स्टैटिस्टिक्स में ऑप्टेन हुए तो स्टैट्स को हमने क्या माना है एक्स और एक्स की वैल्यू दी है कितनी एक्स की वैल्यू दी है फिफ्टी फाइन क्या करना है एवरेज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स दैट इज वैल्यू ऑफ वाई हमें कैलकुलेट करना है वाई की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है तो अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से होगी यही पॉइंट से होगी इसी पॉइंट से होगी कि अगर हमें y कैलकुलेट करना है तो कौन सी इक्वेशन काम में आएगी y ऑन x ये आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए ये क्लिक नहीं हुआ तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे सो so, y फाइंड करना है तो यूज करेंगे y ऑन x वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स इन एक्स माइनस एक्स बार अब क्या करेंगे वैल्यूज पुट करते हैं वाई हमें नहीं पता वाई बार वाई बार इज फोर्टी एट इक्वल टू बी वाई एक्स क्या बीवाई एक्स गिवेन इक्वेशन में नो बी एक्स गिवेन तो नहीं है तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा इन टू एक्स माइनस एक्स बार एक्स की वैल्यू तो हमें पता है फिफ्टी एक्स बार एक्स बार इज ऑल्सो गिवेन दैट इज फोर्टी अब क्या नहीं पता है वो है बीवाई एक्स बीवाई एक्स हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा चलिए बीवाई एक्स हम कैलकुलेट करेंगे तो बीवाई एक्स के लिए फॉर्मूला आर क्या हमें गिवेन है क्वेश्चन में देखें क्या आर आपको दे रखा है क्या हम आर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आर इंटू नीटा वाई अपॉन नीटा एक्स इस फॉर्मूले के लिए नीटा वाई हमारे पास अवेलेबल है कितना नीटा वाई इज 16 एंड नीटा x इज 12. बट r r इज नॉट अवेलेबल अब जब r अवेलेबल नहीं है तो हमें पहले r को कैलकुलेट करना पड़ेगा और r कैलकुलेट करने के लिए formula कौन सा यूज लेंगे तो आपको गिवन है सिग्मा dx dy upon n अपॉन एन नीटा x इन नीटा ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं तो सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना है फोर टू जीरो सेवन फाइव अपॉन एन इज फोर फिफ्टी इंटू नीटा एक्स नीटा एक्स कितना है ट्वेल्व नीटा वाई इज सिक्सटीन अब इससे क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ आर चलिए सॉल्व करें फोर टू जीरो सेवन फाइव डिवाइडेड बाय इन तीनों से डिवाइड कर लेते हैं सो जीरो पॉइंट फोर एट सिक्स राउंड ऑफ किया तो जीरो पॉइंट फोर नाइन दिस इज द वैल्यू ऑफ आर को रिलेशन जीरो पॉइंट फोर नाइन हमने यहां पे पुट किया इनटू सिक्सटीन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व

दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई यह है वाई की वैल्यू तो इस तरीके से हमें यह पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये क्वेश्चन ज़रूर था बट एग्जाम में आ चुका है तो एग्जाम में आप ऐसा मानकर चलें हंड्रेड में से दो, ती, दो से तीन क्वेश्चन इस तरह के लेंदी हो सकते हैं कभी कभार फाइव तक हो सकते हैं बट नॉर्मली दो या तीन क्वेश्चन ऐसे लेंदी हो सकते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन को ऑलवेज लास्ट में अटेंड करना है ओके okay? तो इस क्वेश्चन में आपको पहले क्या करना था ये जज करना है कि हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे स्टार्टिंग हमें मिल गई वाई ऑन एक्स इक्वेशन से फिर जो उसमें मिसिंग था वो हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की उसमें फिर से कुछ मिसिंग था तो उसको भी हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की और इस तरह से करते करते हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ठीक है तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट गिवन इन इन्फॉर्मेशन क्या है और उस गिवन इन इन्फॉर्मेशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है यह पता लगाना दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू कंसिडर नोट कर लें इसे नोटेड सो so, इन सारे क्वेश्चंस को क्या करना है आपको आज सारे क्वेश्चन को वापस कर जाके प्रैक्टिस करेंगे और विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है सिर्फ क्वेश्चन को देखे अपने आप आप वापस सॉल्व करने की कोशिश करें तो उससे क्या होगा कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगी तो हाथ सॉर्ट आउट हो जाएगी आप उसको वापस चेक कर सकते हैं आपके आंसर से लेकिन आज अगर आपने घर पे नहीं किया तो क्या होगा एक दो दिन बाद आप इसे पूरा भूल जाएंगे वॉश आउट हो जाएगा इसलिए बेटर ये है जैसे हमने क्लास में किया वैसे ही आपको घर जाके इसे रिवाइज कर लेना है ठीक है तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आप कुछ मॉड्यूल में से भी आज ट्राई कर सकते हैं ताकि आपकी उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आईसीआई के मॉड्यूल में कुछ इलेस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे तो वो काफी ज्यादा लेंदी है और वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है लाइक डिस्क्रीट एंड कंटिन्यू सीरीज वो पहले हमारे सिलेबस में थे जब सब्जेक्टिव पैटर्न था फाइव मार्क्स के क्वेश्चन वहां पर आते थे बट अभी वो पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है ओनली शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है सिर्फ वो पैटर्न के क्वेश्चन करने हैं जो हमने अभी क्लास में डिस्कस किए हैं तो उस पैटर्न के कुछ क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे उसकी आप आज अच्छे से प्रैक्टिस करें लाइक सीरीज गिवन है तो सीरीज से आपको इक्वेशंस बनानी है मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करने हैं तो उस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ठीक है तो आज आप प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे कल गुड मॉर्निंग क्लास कैसे हैं फाइन चलिए रिग्रेशन चैप्टर हमारा चल रहा था और हमने कर लिए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 19 19 क्वेश्चन हो गए थे और काफ़ी सारे फार्मूलेस भी हमने डिस्कस किए हैं कुछ फार्मूले बेस्ड थे को रिलेशन चैप्टर पे तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए और अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे और कुछ क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन भी रहेगी हमें यहाँ पर उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी ध्यान में रखनी है ठीक है चलिए सबसे पहले आते हैं हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे इन द इक्वेशन एक्स इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स माइनस वाई बाय फाइव ये इक्वेशन हमें गिवन है फाइंड क्या करना है बी एक्स वाई तो देखें सबसे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब हमें पता है बी एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना है तो बी एक्स वाई के लिए इक्वेशन अरेंज करना होता है इन द फॉर्मेट ऑफ एक्स ऑन वाई तो अब एक्स ऑन वाई का फॉर्मेट क्या होता है एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई दिस इज द इक्वेशन अब यहां पे हम क्या करेंगे हमारी गिवन इक्वेशन को इसी फॉर्मेट में रखते हैं क्योंकि वो पहले से अरेंज भी है सो so, 25 by 6 minus y by 5. This दिस इज द इक्वेशन अब जो y के पास में वैल्यू है दैट इज what? y के पास जो वैल्यू है उसे हम क्या कहेंगे b. और ये b यहां से कितना आ रहा है b की वैल्यू आ रही है minus 1 by 5. तो ये जो b है इसी को हम क्या कहते हैं बी एक्स इसी को हम कहते हैं बी एक्स थेके? अब हमें लगता है क्या ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ सकता है आंसर इज यस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत बार रिपीट भी होते हैं तो इसलिए एग्जाम के लिए ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ और सिर्फ टफ क्वेश्चन ही करने हैं क्वेश्चन बहुत सिंपल भी आते हैं एवरेज लेवल के भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन टफ लेवल के भी होते हैं तो हमें हर पैटर्न के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है लेकिन टफ क्वेश्चन एग्जाम में थोड़े कम आते हैं ज्यादा कैसे आते हैं इजी एंड मीडियम लेवल के तो जो मीडियम लेवल है उसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी फर्स्ट में इक्वेशन गिवन है नाइनटीन माइनस फाइव एक्स बाय टू एक्स के पास वैल्यू क्या है माइनस फाइव बाय टू एक्स के पास वैल्यू क्या है माइनस फाइव बाई टू तो ये माइनस फाइव बाई टू क्या है बी वाई एक्स दिस इज बी वाई एक्स ऑप्शन नंबर सी ओके चलिए ट्वेंटी सेकेंड फॉर द रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फिफ्टी इक्वल्स टू जीरो बी एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो पहले स्टेप में क्या करेंगे बीवाई एक्स निकालना है दैट मीन्स वाई ऑन एक्स में इक्वेशन को अरेंज करना पड़ेगा और अरेंज करने के बाद में जो x के पास में वैल्यू होगी उसी को हम क्या कहेंगे बी वाई एक्स दिस इज योर होमवर्क अब आते हैं ट्वेंटी थर्ड पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड दट ऑफ एक्स ऑन वाई आर गिवेन बाय द इक्वेशन क्या इक्वेशन है वाईक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस थ्री दिस इज द इक्वेशन वाई ऑन एक्स इक्वेशन ने मैंशन कर रखा है एंड सेकेंड इक्वेशन इज एट एक्स इक्वल टू माइनस वाई प्लस थ्री वॉट इज द कोफिशियंट ऑफ को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई तो को रिलेशन हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो इक्वेशन वाई ऑन एक्स है यहां से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे बी बीवाई एक्स कितना आएगा बी वाई एक्स विल बी माइनस टू माइनस टू एंड बी एक्स वाई बी एक्स वाई कैसे कैलकुलेट होगा तो इस इक्वेशन को हम अरेंज कर लेते हैं किस तरह से अरेंज करेंगे इसको अरेंज करेंगे एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एट प्लस थ्री बाय एट सो इट विल बी माइनस वन अपॉन एट तो बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दोनों कैलकुलेट हो चुके हैं अब आती है बारी को रिलेशन को कैलकुलेट करने की दैट इज आर और ये आर कैसे आएगा आर के लिए सिंपली रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स माइनस वन बाय एट इंटू माइनस टू देट विल बी माइनस वन अपॉन टू Or we can say minus zero point five, minus zero point five. This is the correct answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे आते हैं इफ फोर वाई माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन ये क्या है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स कोफिशियंट ऑफ को रिलेशन बिट्वीन एक्स एंड वाई इज जीरो पॉइंट सेवन फाइव आर की वैल्यू हमें गिवन है वॉट इज द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ एक्स ऑन वाई तो एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन कोफिशियंट क्या होगा तो x और y का कोफिशियंट दैट मींस बी एक्स वाई बी एक्स वाई हमें कैलकुलेट करना है ओके okay. तो सबसे पहले चलते हैं इस इक्वेशन में से कुछ हम एक्सट्रैक्ट करेंगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर फोर वाई माइनस फाइव एक्स इक्वल टू फिफ्टीन दिस इज वाई ऑन एक्स तो हमें बाय ऑन एक्स की फॉर्म में अरेन्ज करना है तो क्या लिखेंगे फोर वाई इक्वल टू फिफ्टीन प्लस फाइव एक्स सो वाई इक्वल टू फिफ्टीन बाय फोर प्लस फाइव बाय फोर एक्स सो ये फाइव बाय फोर क्या आ गया है दिस इज बी वाई एक्स या आ चुका है बीवाई एक्स अब लगाते हैं फॉर्मूला आर इक्वल्स टू रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स आर की वैल्यू कितने लिखेंगे आर हमें मेंशन करना है 0.75 पॉइंट सेवन फाइव इक्वल टू बी एक्स वाई इन बी वाई एक्स और बी बाय एक्स कितना है बी तो बाय एक्स अभी हमने फाइंड आउट किया फाइव बाय फोर अब इसको आगे सॉल्व करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ द सो जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंटू जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंटू फोर डिवाइडेड बाय फाइव अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं चलिए करें 0.75 का स्क्वेयर multiply by 4 divided by 5 so final answer is 0 0.45 0 0.45 this is what bxy Fine. So, ये जो भी हमने चार पांच क्वेश्चन किए हैं ये काफी इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में से इनके आने के चांसेस पूरे हैं तो इन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं करें अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें ओके चलिए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ आते हैं पहले आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव एक बार रीड कर लेना है फिर हम इसे डिस्कस करते हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा तब तक आप क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव पढ़ें और एक बार सोचने की कोशिश करें क्या हम इसे अपने आप ट्राई कर सकते हैं ठीक है चलिए कोशिश करिए पढ़ लिया क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्या कह रहा है? देखें फॉर सर्टेन एक्स एंड वाई सीरीज विच आर को दो सीरीज की बात हो रही एक्स एंड वाई और जो आपस में को भी है ओके द टू लाइन ऑफ रिग्रेशन आर दो रिग्रेशन लाइन हमें दे रखी है फर्स्ट इक्वेशन एंड देन सेकेंड इक्वेशन ये भी ठीक है फाइन विच विच इज इज ऑफ ऑन ऑन एक्स एक्स एंड हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कौन सी इक्वेशन एक्स ऑन वाई है एंड कौन सी ऑन एक्स सिर्फ इतना हमें पता लगाना है कैसे करेंगे अब इसको समझते हैं चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं First one is five x minus six y plus ninety equal to zero, and second one is fifteen x minus eight y minus one thirty equal to zero. These are the two equations. अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं वो समझते हैं अब हमें सिर्फ ये बताना है विच वन इज एक्स ऑन वाई एंड विच वन इज वाई ऑन एक्स हमें अभी नहीं पता हम क्या करेंगे अजम्पन लेते हैं लेट दिस इक्वेशन बी एक्स ऑन वाई ये हमने अज्यूम कर लिया है अब अगर हमें अज्यूम किया है से एक्स ऑन वाई के फॉर्मेट में अरेंज भी करना पड़ेगा तो एक्स ऑन वाई का फॉर्मेट क्या होता है एक्स इक्वल टू ए प्लस बीवाई इस फॉर्मेट में हम इक्वेशन को अरेंज करते हैं तो सबसे पहले हमने लिखा फाइव एक्स इक्वल टू माइनस नाइनटी प्लस सिक्स वाई सो एक्स इक्वल टू माइनस नाइनटी बाय फाइव प्लस सिक्स बाय फाइव वाई ये हमने इक्वेशन को अरेंज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ एक्स वन वाई अब एक्स y वाई में हमें पता है कि जो वैल्यू वाई के पास में है उसे हम क्या कहते हैं जो वैल्यू वाई के पास में है उसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहेंगे बी एक्स वाई दिस इज सिंपली बी एक्स वाई तो यहां से बी एक्स वाई कितना कैलकुलेट हो गया है बी एक्स वाई इक्वल्स टू सिक्स बाय फाइव ये हमने कैलकुलेट कर लिया है सिमिलरली अगर फर्स्ट इक्वेशन को हमने एक्स ऑन वाई एज्यूम किया है तो सेकेंड इक्वेशन कौन सी होगी सेकेंड विल बी वायोन एक्स लेट दिस इक्वेशन बी वायऑन एक्स और अब हम इसे वाय ऑन एक्स की फॉर्मेट में अरेन्ज करते हैं वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स माइनस एट वाई इक्वल्स टू वन थर्टी माइनस फिफ्टीन एक्स वाई इक्वल टू माइनस वन थर्टी बाय एट प्लस फिफ्टीन बाय एट एक्स अब हमने इक्वेशन को जब कर दिया है तो x के पास जो वैल्यू है उसे हम क्या कहेंगे जो वैल्यू x के पास में दैट इज बी वाई एक्स सो बी वाई एक्स इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन एट फिफ्टीन अपॉन एट दोनों वैल्यूज आ चुकी है अब पॉइंट ये आता है जो हमारी अजम्पन है क्या वो करेक्ट है या इन करेक्ट ये हमें वेरीफाई करना है कैसे वेरीफाई कर सकते हैं तो वेरीफाई करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ आर ठीक है r. आर कैसे कैलकुलेट होगा आर इक्वल टू रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स सिक्स बाय फाइव इंटू फिफ्टीन बाय एट चलिए सॉल्व करते हैं सिक्स इंटू फिफ्टीन इज नाइनटी डिवाइडेड बाय एट इंटू फाइव फोर्टी एंड देन स्क्वायर रूट आर की वैल्यू आ गई वन पॉइंट फाइव इज दैट पॉसिबल क्या ये पॉसिबल है नो आर कैनोट एक्सीड द लिमिट आर के लिमिट क्या है माइनस वन टू प्लस वन तो प्लस वन से ग्रेटर वैल्यू नहीं आ सकती है किसकी आर की सो दिस इज नॉट पॉसिबल दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल इसका मतलब जो हमने अजम्पन ली है उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा दिस अजम्पन इज नॉट करेक्ट तो अब हम क्या करेंगे अजम्पन को रिवर्स करते हैं चलिए आगे लिखेंगे लेट इक्वेशन फर्स्ट बी x। फर्स्ट इक्वेशन को हमने वायोन एक्स माना है तो वायोन एक्स की फॉर्मेट में अरेंज कर देते हैं माइनस सिक्स वाई इक्वल टू माइनस नाइनटी माइनस फाइव एक्स वाई इक्वल टू नाइनटी बाय सिक्स प्लस फाइव बाय सिक्स एक्स और इस बार जो x के पास में वैल्यू है इसे हम कहेंगे बी वाई एक्स कितना है फाइव बाय सिक्स फाइव बाय सिक्स सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन एक्स y, वाई एक्स ऑन वाई की फॉर्मेट में अरेंज करेंगे सो फिफ्टीन एक्स फिफ्टीन एक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे वन थर्टी प्लस एट वाई एक्स इक्वल टू वन थर्टी बाय फिफ्टीन प्लस एट बाय फिफ्टीन वाई और अब बी एक्स वाई कितना आ गया एट बाय फिफ्टीन जो वैल्यू वाई के पास में है दैट इज बी एक्स वाई अब फिर से क्या चेक करना है हमें अजम्पन क्या हमारी ये अजम्पन करेक्ट है चलिए लेट इज वेरीफाई आर इक्वल टू रूट ऑफ फाइव बाय सिक्स इंटू इंटू क्या करना है एट बाय फिफ्टीन दिस टाइम फोर्टी डिवाइडेड बाई नाइनटी एंड स्क्वाइंट सिक्स सेवन आर इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स सेवन एंड दिस टाइम वैल्यू ऑफ आर इज विद इन लिमिट आर की वैल्यू इस बार लिमिट में है दैट मीन्स बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन दैट मीनस इस बार हमारी एजम्पन करेक्ट है दिस एजम्पन इज करेक्ट दिस इज द फाइनल आंसर दैट इक्वेशन फर्स्ट इज वाई ऑन एक्स एंड इक्वेशन सेकेंड इज एक्स ऑन वाई ये हमारा फाइनल आंसर है ठीक है अब इससे आप आराम से नोट कर लें नोट करने के बाद हम इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे जिससे हमारा टाइम थोड़ा सा एग्जाम में कम कंज्यूम होगा ठीक है सो शॉर्ट ट्रिक्स क्या क्या है कि हमें कौन से पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट वन इज जब हमने बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स कैलकुलेट किया फर्स्ट टाइम वैल्यूज क्या है सिक्स बाई फाइव एंड फिफ्टीन बाई एट ये दोनों वैल्यूज दोनों वैल्यूज क्या है मोर देन वन और जब दोनों ही मोर देन वन है दैट मीन्स आर की वैल्यू भी क्या आएगी मोर देन वन विच इज नॉट पॉसिबल तो हमें इसको देख के सीधा पता लग जाना चाहिए कि आर की वैल्यू इस केस में एक्सीड होगी एक्सीड होगी तो ये हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक है तो ये फर्स्ट ट्रिक आपको ध्यान रखनी है अगर दोनों वैल्यूज स्मॉल है दैट मीन्स आर की वैल्यू विद इन लिमिट ही आएगी तो वहां भी आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो लाइक बाद में जब वैल्यूज फाइव बाय सिक्स एंड एट बाय फिफ्टीन आ गई है तो दोनों ही क्या है लेस देन वन एंड लेस देन वन के केस में वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द वैल्यू ऑफ आर बिकॉज वो ऑटोमेटिकली वन से कम ही आने वाला है ठीक है चलिए एक पॉइंट तो ये हुआ दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट ये है कि एक स्टूडेंट के माइंड में डाउट आ सकता है कि अगर हमारी फर्स्ट एजम्पन गलत है दैट मीन सेकेंड तो सही होनी ही चाहिए तो ऐसा मोस्टली होगा बट कुछ केसेस में आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कभी नहीं भी हो सकता है ठीक है वैसा एक क्वेश्चन भी करेंगे अभी तो आपको यह ध्यान रखना है अगर फर्स्ट फुलफिल नहीं हो रही है तो इसका मतलब सेकेंड फुलफिल हो जाएगी ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ठीक है नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अब बात आती है एक्स y जब हमने एज्यूम किया था फर्स्ट इक्वेशन को बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स बाय फाइव और जब बायोन एक्स एज्यूम किया तो वैल्यू कितनी आई फाइव बाय सिक्स दैट मीन जस्ट रेसी तो आप इसे डायरेक्ट रेसिट्रोकल कर सकते हैं ये एक हमारा शॉर्टकट है तो ये वैल्यू इस तरह से जब आएगी तो यहां पे हम सीधा इसको रेसिट्रोकल कर सकते हैं बी एक्स वाई का हम लिख देंगे बीवाई एक्स एंड सिक्स बाय फाइव का फाइव बाय सिक्स सिमिलरली फिफ्टीन बाय एट यहां क्या बन जाएगा एट बाय फिफ्टीन साइन विल रिमेन सेम साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव तो दोनों जगह साइन सेम रहेंगे सिर्फ रेसिप्रोकल हो जाएगी हमारी वैल्यूज ओके okay? एक और चीज अब जब हमने इक्वेशन को पहले अरेंज किया और अरेंज करने के बाद में फाइंड आउट किया बी एक्स वाई तो बी एक्स वाई को अगर आप डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें तो क्या वो पॉसिबल है लाइक like, हमारी इक्वेशन है 5x एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन्टी इक्वल टू जीरो और हमने बी एक्स वाई को कैलकुलेट किया है कितना 6 बाय फाइव सिक्स बाय फाइव तो जब बी एक्स वाई कैलकुलेट करते हैं न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू आ रही है y की वैल्यू आ रही है जब हम यहां पे बी एक्स वाई कैलकुलेट कर रहे हैं न्यूमरेटर तो में किसकी वैल्यू आ रही है एक्स की जो एक्स के पास में है और अपॉन में क्या रहा है जो वैल्यू वाई के पास में है y के पास में है, तो हम इसको डायरेक्टली माइंड में सोच के लिख सकते हैं बस साइन का आपको ध्यान रखना है कि साइन कैसा होगा पॉजिटिव या नेगेटिव ठीक है तो जब 5x एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस नाइनटी इक्वल टू जीरो है तो इधर माइनस सिक्स है वहां ट्रांसफर होती बन जाएगा प्लस सिक्स तो आपने न्यूमरेटर में क्या लिखा है सिक्स ठीक है न्यूमरेटर में यहां पे क्या लिख दिया है सिक्स इसको यहां पहले लिख देते हैं बी एक्स वाई के लिए वाई बाय एक्स तो वैल्यू कितनी आ रही है पहले न्यूमरेटर में सिक्स एंड फिर डिनोमिनेटर में फाइव और अगर हमें बी वाई एक्स कैलकुलेट करना है तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स अपॉन वाई एक्स की वैल्यू एंड अपॉन में जो वैल्यू वाई के पास में है ठीक है तो इस तरह से हम इसे ओरली भी कर सकते हैं बट ओरली के लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो हम एग्जाम में रिस्क नहीं ले सकते बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए बिकॉज टाइम आपके पास कम है तो इसलिए अभी आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें चार पांच क्वेश्चन आप स्टडी uh, मैट में से करेंगे नोट्स में से करेंगे और फिर उसके बाद स्कैनर में से तो जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी आपका उतनी आपकी हैबिट हो जाएगी और टाइम कम लगने लगेगा ठीक है तो इसके आप हैबिट कर सकते हैं और अगर समझ में नहीं आता है तो फिर यह तरीका तो ऑलवेज एप्लीकेबल होगा ठीक है सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इज होमवर्क ट्वेंटी सिक्स इज होमवर्क ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन आपको अभी ट्राई करना है यस yes, अभी ट्राई करना है और अब कोशिश करें थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हुए करना है ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि हम शॉर्ट ट्रिक क्या यूज कर पा रहे हैं या नहीं ठीक है चलिए शुरू करें रिग्रेस इक्वेशन विच वन इज एक्स ऑन वाई कौन सी एक्स ऑन वाई है ये हमें पता लगाना है चलिए ट्राई हुआ सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन में जो सबसे पहले हमें दी गई है इक्वेशन टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू टेन एंड थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू फिफ्टीन दीज आर द टू इक्वेशन चलिए सबसे पहले मान लेते हैं इक्वेशन वन को एक्स वन वाई एक्स वन वाई हमने माना है दैट मींस एक्स की वैल्यू यहां पे रहेगी लेफ्ट हैंड साइड में और वाई की वैल्यू जाएगी राइट हैंड साइड में यहां पे है माइनस थ्री वाई वहां जाके क्या बन जाएगा प्लस थ्री वाई दट मींस न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा थ्री डिवाइडेड बाय टू एक्स है अपॉन में वैल्यू आ जाएगी टू सो थ्री बाय This is what B, X, y. इस तरह से आप डायरेक्टली कर सकते हैं ठीक है माइंड में आपको ये कैलकुलेशन कर लेनी है एंड सिमिलरली इक्वेशन के लिए जिसको आपने सिमिलरलीस थ्री एक्स प्लस फोर वाईक्वल टू फिफ्टीन वाई ऑन एक्स है तो ऑपोजिट में किसको भेजेंगे 3x को 3x एक्स यहां पॉजिटिव है वहां जाके बन जाएगा नेगेटिव सो बी वाई एक्स इक्वल टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाय y के पास वैल्यू क्या है फोर या आ जाएगा डिनोमिनेटर में सो माइनस थ्री बाय फोर माइनस थ्री बाय फोर चलिए बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए हैं बट वॉट इज द प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि बी एक्स वाई एंड बीवाई एक्स दोनों के साइन डिफरेंट है जबकि हमने प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था कि इन दोनों के साइन सेम होने चाहिए वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी साइन होगा दोनों का सेम होना चाहिए बट यहां पर सेम नहीं आ रहा है दैट मीन्स हमारी अजम्पशन गलत है तो अगर हम अजम्पशन चेंज कर दें तो क्या कोई इंपैक्ट आने वाला है उसका लाइक फर्स्ट वन इज बायोन हमने अभी डिस्कस किया हम इसे सीधा रेसिप्रोकल कर देंगे दैट इज टू बाय थ्री एंड सेकेंड इक्वेशन b x y इक्वल टू माइनस फोर by थ्री तो रेसिप्रोकल करने पर भी तो वही सिचुएशन रहेगी एट मीन्स दोनों ही इक्वेशन दोनों ही इक्वेशन रेगुलेशन इक्वेशन नहीं है नो वन इज एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स तो आंसर क्या करेंगे नन ऑफ दीज आंसर विल बी नन ऑफ दिज तो इस सिचुएशन की हम बात कर रहे थे कि अगर फर्स्ट इक्वेशन रिजेक्ट हो जाती है तो सेकेंड इक्वेशन भी रिजेक्ट हो सकती है ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट एजम्सन गलत है तो सेकेंड ऑलवेज सही होगी ऐसा नहीं है तो फर्स्ट रिजेक्ट हो गई तो सेकेंड भी रिजेक्ट हो सकती है ठीक है सो दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन कोशिश करें कि आप ओरली शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करते रहें नेक्स्ट इज ट्वेंटी एट इफ द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इन बायरी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवेन बाय दिस इक्वेशन एंड कोफिशियंट ऑफ को रिलेशन इज क्या फाइन करना है को रिलेशन कोफिशियंट दैट इज आर आर फाइंड करने के लिए क्या चाहिए बी एक्स वाई एंड बीवाई एक्स और ये दोनों कहां से आएंगे फ्रॉम दीज टू इक्वेशन सो ये आपका होमवर्क अगेन क्वेश्चन सिमिलर ही है नेक्स्ट नेक्स्ट बात आती है टू रिग्रेशन इक्वेशन दो इक्वेशन हमें दे रखी है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इफ एक्स इज नाइन अगर एक्स नाइन है तो फिर वाई की वैल्यू क्या होगी y की वैल्यू आपको एस्टिमेट करनी है कैसे एस्टिमेट करेंगे बताइए x की वैल्यू गिवन है फाइंड करना है वैल्यू ऑफ y। तो कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे ये हमें पता है कि जब एक्स गिवन है एंड करना है तो वाई के लिए यूज करते हैं इक्वेशन वाई ऑन एक्स हमें ऐसा नहीं करना है कि एक्स को हम कहीं भी पुट कर दें फर्स्ट में या सेकंड में अगर आप फर्स्ट में पुट करेंगे तो आंसर अलग आएगा और सेकंड में पुट करेंगे तो आंसर अलग आएगा तो कौन सा सही है ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो इसके लिए आपको पहले ये देखना है विच वन इज वाई ऑन एक्स और फिर उस इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है ठीक है तो चलिए वाई ऑन एक्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे सेम प्रोसेस जो भी हमने किया है शुरू करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन फर्स्ट इक्वेशन टू एक्स प्लस थ्री वाय प्लस एटीन इज इक्वल टू जीरोन एक्स प्लस टू वाय माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू जीरो दीज आर दू इक्वेश नाउ अब क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को अज्यूम करना है लेटेस एज्यूम एक्स ऑन वाई एक्स वन वाई एज्यूम किया है तो इसे क्या फाइंड आउट होगा बी एक्स वाई बी एक्स वाई तो बी एक्स वाई के लिए एक्स आपने रखा लेफ्ट हैंड साइड में राइट right साइड में भेजेंगे वाई को तो वैल्यू क्या आएगी माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू दिस इज बी एक्स वाई ना सेकेंड इक्वेशन वाय ऑन एक्स में बीवाई एक्स कैलकुलेट होगा बीवाई एक्स कैलकुलेट होगा तो उसके लिए वाई रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में और एक्स को आप बेचेंगे राइट हैंड साइड में तो यहां पे वैल्यू है एक्स राइट साइड में जाके माइनस एक्स दैट मीन्स माइनस वन डिवाइडेड बाय टू सो दिस इज बी वाई एक्स अब क्या हमारी अजम्पशन करेक्ट है ये हमें चेक करना है तो क्या करेंगे आर कैलकुलेट करेंगे आर इक्वल्स टू रूट ऑफ माइनस थ्री बाय टू इंटू माइनस वन बाय टू दैट इज थ्री बाय फोर एंड थ्री बाय फोर का स्क्वायर रूट कितना आएगा जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स दिस इज आर तो आर की वैल्यू क्या आ रही है विद इन लिमिट लिमिट में आ रही है आर की वैल्यू दैट इट हमारी एजम्सन करेक्ट है और अगर एजम्स करेक्ट है तो हमें पता लग गया है सेकेंड इक्वेशन इज वाई ऑन एक्स तो सेकेंड इक्वेशन है वाई ऑन एक्स तो इस सेकेंड इक्वेशन में हमें क्या करना है वैल्यू पुट करनी है किसकी एक्स की 9 प्लस टू वाई माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू जीरो टू वाई इक्वल टू कितना 16 वैल्यू ऑफ वाई इज एट तो वाई की वैल्यू आ चुकी है दैट इज एट ठीक है So, अब आपकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो गई होगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थर्टी में क्या गिवन है? इफ द रिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ बायोनेक्स क्स का रिग्रेशन कोफिशियंट कौन सा होता है बी वाई एक्स देन कोफिशियंट ऑफ को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड को रिलेशन मीन्स एंड वेरियंस ऑफ वाई वेरियंस ऑफ वाई मीन्स नीटा आर गिवन ये तीन डिफरेंट वैल्यूज में गिवेन है एक बी वाई एक्स दूसरा आर और तीसरा नीटा वाई स्क्वायर अब करना क्या है व्हाट इज द वेरियंस ऑफ एक्स नीटा एक्स का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है नीटा एक्स का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है ठीक है तो चले कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं इन तीनों में से किसी एक का फार्मूला हमें यूज करना होगा और अगर कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिसमें ये तीनों कम में आते हैं तो वो बेस्ट होगा कौन सा फॉर्मूला हो सकता है ये सोच के बताएं। बताए so, हमने बी वाई एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था दैट व्हेन आर नीटा एक्स नीटा गिवन क्या फॉर्मूला था आर मल्टीप्लाई नीटा वाई डिवाइडेड बाई नीटा एक्स बिल्कुल यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला बी वाई एक्स इक्वल्स टू आर इन टू नीटा वाई अपॉन नीटा एक्स आर की वैल्यू हमें गिवन है कितनी माइनस रूट थ्री अपॉन टू इंटू नीटा वाई स्क्वेल्स फोर तो नीटा वाई कितना लिखेंगे टू डिवाइडेड बाय नीटा एक्स नीटा एक्स कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है एंड व्हाट इज बी वाई एक्स माइनस थ्री बाय फोर माइनस थ्री बाय फोर चलिए अब कुछ इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए टू एंड टू गॉट कैंसल्ड देन माइनस एन माइनस गॉट कैंसल्ड अब पीछे क्या बचा है नीटा एक्स इक्वल्स टू फोर रूट थ्री बाय थ्री फोर रूट थ्री बाय थ्री ये वैल्यू बची है अब हम इसको थ्री को भी कैंसिल कर सकते हैं तो फाइनली क्या बचेगा फोर डिवाइडेड बाय रूट थ्री दिस इज नीटा एक्स और हमें फाइंड क्या करना था We are required to calculate variance variance of x. So neta x square equal to sixteen divided by three. This is variance. Okay. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर थर्टी अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पे फॉलोइंग आर टू नॉर्मल इक्वेशन फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन लाइन वाइ ऑन एक्स हमें क्या चाहिए रिग्रेशन लाइन चाहिए वाई ऑन एक्स अब रिग्रेशन लाइन वायऑन एक्स कैसे बनाएंगे सो देखें फाइव ए प्लस टेन बी इक्वल टू फोर्टी टेन ए प्लस ट्वेंटी फाइव बी इक्वल टू नाइन्टी फाइव तो हमें ए एंड बी की फॉर्म में इक्वेशंस गिवन है और हमें फाइंड करना है रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स सब देखें इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे वाई ऑन एक्स वाई ऑन एक्स मीन्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ये इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है तो अगर हम ए एंड बी की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर दें तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है उन दोनों इक्वेशन को यूज करके ए एंड बी फाइंड करना है और इस इक्वेशन में पुट कर देना है ठीक है उससे हमारा आंसर आ जाएगा तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं पहले व्हाट इज द इक्वेशन फाइव ए प्लस टेन बी इक्वल्स टू फोर्टी सेकेंड वन इज टेन ए प्लस ट्वेंटी फाइव बी इक्वल्स टू नाइन्टी फाइव दीज आर द टू इक्वेशंस अब क्या करना है दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे टू से इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे टू से एंड दिस इक्वेशन विल प्लस ट्वेंटी बी इक्वल्स टू हमने टू से मल्टीप्लाई करके लिख दिया अब हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सब्रैक्ट माइनस माइनस एंड माइनस माइनस करने पे दिस गॉट कैंसल्ड यहां पे वैल्यू क्या बचेगी 5b बी इक्वल्स टू फिफ्टीन सो वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू थ्री बी की वैल्यू आ गई है थ्री एंड जब b थ्री आ गया तो उसको सब्सिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकेंड में कहीं पे भी सो फाइव ए प्लस टेन इन 40. थ्री इक्वल टू फोर्टी ए इक्वल टू टेन बाई फाइव दू एंडी दोनों की वैल्यू आ गई अब हम क्या करते हैं फाइनली से पुट कर देंगे y इक्वल टू टू प्लस थ्री एक्स वाई इक्वल टू टू प्लस थ्री एक्स सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ये वो इक्वेशन है जो हमें रिक्वायर्ड थी ठीक है चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ वायोनेक्स एंड एक्स वन वाई आर गिवन बाय दीस टू इक्वेशन दो इक्वेशन हमें दे रखी है और क्या करना है देन अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन बाय तो एक्स एंड वाई का अर्थमेटिक मीन क्या होगा तो अब देखिये हमने प्रॉपर्टी पड़ी थी रिग्रेशन में कि टू रिग्रेशन लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट देयर मीन दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को कहा इंटरसेक्ट करती है एट देर मीन तो उन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या कैलकुलेट होता है एक्स बार एंड बार ये दोनों कैलकुलेट होते हैं तो यहां पे ये दोनों इक्वेशन गिवन है तो हमारे पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के फर्स्ट मैथड क्या है फर्स्ट मैथड दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यूज आ जाएगी दिस इज फर्स्ट मैथड सेकेंड मैथड क्या है यूजिंग ऑप्शन ऑप्शन हम क्या करेंगे इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो ऑप्शन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे चलिए अगर हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है

प्लस सिक्स इंटू माइनस वन सो दिस इज आल्सो माइनस वन एंड दिस इक्वेशन इज आल्सो वेरीफाइड तो हमने दोनों इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया है सी ऑप्शन ऐसा है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं सामिल सॉल्व कर लें या फिर ऑप्शन से ऐसे फाइंड आउट कर लें सो करेक्ट आंसर इज सी Next is question number thirty-three. It is similar. So homework. Now thirty-four. Thirty-four me equation given a y equal to three x plus four is the regression line y on x. Arithmetic mean of x is minus one. दिस इज एक्स बार एक्स बार हमें दिया है माइनस वन एंड फाइन करना है अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई वाई का मीन दैट इज वाई बार कैसा आएगा वाई इक्वल टू थ्री इंटू माइनस वन प्लस फोर सो फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन ऑप्शन नंबर ए। एन नेक्स्ट थर्टी फाइव इन केस ऑफ को रिलेशन कोफिशियंट बिट्वीन टू वेरिएबल इज वन क्या दिया है हमें को रिलेशन कोफिशियंट दट इज आर आर की वैल्यू हमें कितनी दी है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल वुड बी तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यह हमें बताना है तो हमें को रिलेशन के लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था इनकेस ऑफ सिंगल इक्वेशन जहां पर सिंगल इक्वेशन है तो उसकेस में कोई रिलेशन की वैल्यू या तो प्लस वन होगी या फिर माइनस वन और ये किस पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ बी पे इफ बी इज पॉजिटिव देन आर इज प्लस वन एंड इफ बी इज नेगेटिव देन आर इज माइनस वन ये हमने डिस्कस किया था तो इस क्वेश्चन में आर कितना गिवन है वन दैट इज प्लस वन तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ ऑप्शन नंबर बी वेर बी इज ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव और जब बी पॉजिटिव होगा तो उस केस में आर की वैल्यू आ जाएगी वन क्या ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो सकता है डी में लिखा है ए एंड बी बींग पॉजिटिव क्या ए का पॉजिटिव होना जरूरी है नो नॉट एट ऑल ए का पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है सो so, इसलिए डी ऑप्शन इनकरेक्ट है करेक्ट इज बी

तो ये सब कुछ बी पे डिपेंडेंट है। सो so, आज का आपका होमवर्क आपको मिल चुका है जो आपको क्वेश्चन पेंडिंग है कंप्लीट करने हैं एंड साथ में जो हमने क्वेश्चन अभी क्लास में किए हैं ये भी आपको घर जाके सारे रिवाइज करने हैं विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन को देखे बिना आपको ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप उसको गाइडेंस के लिए देख सकते हैं अदरवाइज आपको नहीं देखना है ठीक है गुड मॉर्निंग क्लास रिग्रेशन चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे एंड आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और अब हम देखते हैं सबसे पहले हमने कहां तक क्वेश्चन किए हैं लास्ट क्वेश्चन वॉज थर्टी सिक्स और अब हमें आगे बढ़ना है फ्रॉम थर्टी सेवन अब यहां पर जो कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं वो बेस्ड है प्रॉपर्टीज पे तो फटाफट से प्रॉपर्टीज को रिकॉल कर लेते हैं कि हमने रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए थे सबसे पहला पॉइंट था टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट मीन्स स एक्स बार एंड वाई बार जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट से क्या निकलेगा अर्थमेटिक मीन एक्स बार एज वेल एज वाई बार सेकेंड हमने डिस्कस किया था इफ टू लाइन्स आर पर पेंडिकुलर टू ईच अदर वन इज हॉरिजोंटल अदर वन इज वर्टिकल देन इन दैट केस को रिलेशन कोफिशियंट इज इक्वल टू जीरो दोनों में कोई को रिलेशन नहीं है देन थर्ड वन इफ रिग्रेशन लाइन्स आर को इंसिडेंट दैट मीन्स दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन लाइन सिंगल लाइन अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे आर विल बी प्लस वन और माइनस वन आर की वैल्यू या तो प्लस वन होगी या फिर माइनस वन फोर्थ वन आर बी एक्स वाई एंड बीवाई एक्स मस्ट हैव सेम साइन तीनों के साइन ऑलवेज सेम होने चाहिए ऑल पॉजिटिव या फिर ऑल नेगेटिव देन एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था आर इक्वल्स टू रूट ऑफ बी एक्स वाई इन टू बीवाई एक्स देन कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन रिमेन्स इन वेरियंट और अनचेंज ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन बट गेट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन स्केल तो चेंज ऑफ ओरिजिन का नो इफेक्ट एंड चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट होगा ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी अब इनमें से कुछ क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं जिसका हमें आंसर करना है चलिए सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन पे lines, जब दो रिग्रेशन लाइन क्विंसाइन हो रही है तो आर की वैल्यू क्या होगी प्लस वन और माइनस वन ऑप्शन नंबर सी थर्टी एट द रिग्रेशन लाइन आर आइडेंटिकल आइडेंटिकल का मतलब फिर से वही है दैट दीन्स सिंगल लाइन फॉर टू इक्वेश को रिलेशन विल बी प्लस वन और माइनस वन थर्टी नाइन नेदर वाय नॉर एक्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय अ लीनियर फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल वेन आर इज इक्वल टू क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि x की हेल्प से y हम फाइंड आउट नहीं कर सकते और y की हेल्प से x भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते दैट मीन्स दीज टू वेरिएबल्स आर अनरिलेटेड और जब अनरिलेटेड है तो को रिलेशन की वैल्यू जीरो ऑप्शन नंबर सी फोर्टी रिग्रेशन कोफिशन आर फर्स्ट में लिखा है डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन ओरिजिन पे क्या डिपेंडेंट होता है नौ no? ए इज रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ क्या दोनों का इफेक्ट नहीं होगा ये भी गलत है सी डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल ये भी गलत है लास्ट वन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल दैट मीन्स ओरिजिन का नो इफेक्ट एंड स्केल का इफेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी फोर्टी वन अंडर एल्जेब्रिक मैथड वी गैट डैश लीनियर इक्वेश कितनी इक्वेशंस मिलती है आंसर इज टू ऑप्शन नंबर बी ओके नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि रिग्रेशन में हम बेसिकली करते क्या है तुमने चैप्टर के स्टार्टिंग में दो पॉइंट्स डिस्कस किए थे फर्स्ट पॉइंट क्या था रिग्रेशन एस्टेब्लिशेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप किसमें बिट्वीन टू वेरिएबल्स दो वेरिएबल के बीच में इक्वेशन बनाता है दो वेरिएबल के बीच में इक्वेशन बनाता है कौन रेग्रेशन फिर हमने सेकेंड पॉइंट डिस्कस किया था क्या डिस्कस किया था इट एस्टिमेट्स द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर गिवन वैल्यू ऑफ इनडिपेंडेंट वेरिएबल इनडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करता है कौन रिग्रेशन तो हमें हमने यहां पर बेसिकली कुछ वैल्यू एस्टिमेट की है सो एस्टिमेटेड वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू एस्टिमेटेड and actual now the point is estimated and actual value kya dono same hoti hai answer is no hamesha same nahi ho sakti like humne value estimate ki hai 38 but actual value was 40 या हमने estimate किया है 45 but actual was 40 हो सकता हमने 40 ही एस्टिमेट किया एंड एक्चुअल वैल्यू भी कितनी है 40 दैट मींस यहां जो इनका डिफरेंस है एस्टिमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू दिस डिफरेंस कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव और इवन जीरो एस्टीमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इन दोनों में डिफरेंस आ भी सकता है और नहीं भी अगर डिफरेंस आता है तो इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव तो इस डिफरेंस को इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे दिस इज सिंपली नोन एज एरर ऑल्सो नोन एज रेजिड दिस इज नोन एज एरर और रेजिड्यू किसको कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एरर ऑल्सो नोन एज

ऑब्जर्व दैट मींस एस्टिमेटेड वैल्यू एंड दूसरा एक्चुअल इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है तो इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं एरर और रेजिटिव ऑप्शन नंबर डी फोर्टी फोर द रिग्रेसन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ आर इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या होगी जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे आर विल बी जीरो ऑप्शन नंबर ए फाइन चलिए अब एक डिफरेंट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अलग है हेडिंग क्या लिखना है आपको चेंज इन ओरिजिन and scale change in origin and scale so is tarah ka topic humne regression mein bhi kiya tha and regression se pehle central tendency and dispersion में भी बात की है change in origin and scale की तो यहां पर कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो देखते हैं सबसे पहले दे आर टू इक्वेशन फर्स्ट इज बिटवीन यू एंड एक्स एंड सेकेंड वन इज बिटवीन वी एंड वाई दोनों इक्वेशन लिखते हैं यू इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एंड वी इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई दीज आर द टू इक्वेशंस। अब हमें गिवन क्या होगा एंड फाइंड आउट क्या करना है लाइक like, हमें गिवन होगा बी वाई एक्स दिस विल बी गिवन एंड फाइंड करना है बी वी यू देट मीनस रिग्रेशन कोफिशन बिटवीन वी एंड यू ये हमें कैलकुलेट करना है ठीक है तो इस बी वी यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा ये फॉर्मूला हम लिखते हैं चलिए लिखेंगे

Fine. हमको क्या गिवन होगा टू इक्वेशंस बिटवीन यू एंड एक्स एंड वी एंड वाई और क्या गिवन होगा बी वाई एक्स तो फाइंड करना है बी वी यू सिमिलरली अगर हमें फाइंड करना है बी यू वी तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे बी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई सो दिस इज कैलकुलेशन इन केस ऑफ चेंज ऑफ ऑरिचिन एंड स्किल बी एंड डी की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बी वी यू एंड बी यू वी ओके चलिए इस पे बेस एक क्वेश्चन हमने ले रखा है पहले ही नोट कर लें फिर क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव रिलेशनशिप बिट्वीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड यू इज गिवेन बाय यू प्लस थ्री एक्स इक्वल टू टेन एंड बिटवीन टू अदर वेरिएबल्स वाई एंड वी इज टू वाई प्लस फाइव वी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव रिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ वाई ऑन एक्स वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन कोफिशियंट कितना है जीरो पॉइंट एट वॉट वुड बी रिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ वी ऑन यू वी ऑन यू का रिग्रिएशन कोफिशियंट हमें रिक्वायर्ड है ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या फाइन करना है बी वी यू तो बी वी यू का फॉर्मूला हमने लिख रखा है अब हम पहले क्या करेंगे इक्वेशन को अरेन्ज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन इज यू प्लस थ्री एक्स इक्वल टू टेन सो यू इक्वल्स टेन माइनस थ्री एक्स अब एक्स के पास में जो वैल्यू है माइनस थ्री दिस इज वॉट बी इसे हम क्या कहेंगे बी सो बी इक्वल्स माइनस थ्री सिमिलरली इक्वेशन नंबर सेकेंड इज टू वाई प्लस फाइव वी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सो फाइव वी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस टू वाई एंड वी इक्वल्स ट्वेंटी फाइव बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव वाई सो फाइनली वाई के पास में भी क्या वैल्यू आ गई है डी इज माइनस टू बाय फाइव दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है अब फाइनली क्या करेंगे अब हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है सो बी वी यू इक्वल्स टू डी डी इज माइनस टू बाय फाइव अपॉन बी इज माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स बीवाई एक्स गिवन है जीरो पॉइंट एट जीरो अब ऐसे सिंप्लीफाई कर ले और फिर देखिए आंसर क्या आता है तो माइनस एंड माइनस वेल्ड गेट कैंसल्ड टू अपॉन फिफ्टीन इन जीरो पॉइंट एट नाउ अगर हम ऑप्शंस को चेक करें ऑप्शन हमें डेसिमल में गिवन नहीं है ऑप्शन आर गिवन फ्रैक्शन तो हमें इसको फ्रैक्शन में ही रखना पड़ेगा और अगर फ्रैक्शन में रखना है तो इस डेसिमल को कैसे रिमूव करेंगे वेरी सिंपल पॉइंट है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टेन टेन से मल्टीप्लाई करेंगे एंड टेन से डिवाइड उससे क्या होगा आपका पॉइंट रिपूव हो जाएगा टू अपॉन फिफ्टीन इंटू एट अपॉन टेन नाउ दिस गॉट कैंसल सो एट डिवाइडेड बाय सेवेंटी फाइव ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट

क्या फाइंड आउट करने के लिए फॉर फाइंडिंग को रिलेशन कोफिशियंट कब केस ऑफ पॉपुलेशन द प्रोबेबल एरर ऑफ को रिलेशन कोफिशियंट हेल्प इन डिटर्मिनिंग किस में हेल्प करता है इन डिटर्मिनिंग एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द कोफिशियंट दैट डिपेंड्स ऑन रैंडम सैम्पलिंग तो प्रोबेबल एरर हमें बताता है कि जब हम को रिलेशन को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एरर होने के चांसेस क्या है या एरर कितनी हो सकती है एरर कितनी हो सकती है ये हमें कौन बता रहा है प्रोबेबल एरर तो एरर क्यों होती है कब होती है वो सिचुएशन हम एक बार देखते हैं लाइक like, there आर 100 ऑब्जर्वेशन हंड्रेड ऑब्जर्वेशन है लाइक सीरीज एक्स एंड सीरीज वाई इसमें हंड्रेड हंड्रेड ऑब्जर्वेशन और अब हमें फाइंड आउट करना है को रिलेशन बिटवीन दीज टू सीरीज तो अब सोच के अगर हम देखें हंड्रेड ऑब्जर्वेशन के बीच में को रिलेशन फाइंड आउट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग और अगर थाउजेंड हो जाए तो, तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा तो हम को रिलेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हम कहेंगे कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है दैट इज कलेक्टिवली नोन एज पॉपुलेशन इन टोटल ये जो हंड्रेड ऑब्जर्वेशन है दिस हंड्रेड ऑब्जर्वेशन इज नोन एज पॉपुलेशन अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इन हंड्रेड ऑब्जर्वेशन का हम को रिलेशन करें तो हम इसमें से क्या करते हैं सैंपल लेते हैं तो हमने रैंडमली टेन ऑब्जर्वेशन को सेलेक्ट कर लिया और इन टेन ऑब्जर्वेशन का हमने क्या फाइंड आउट कर लिया को रिलेशन आर हमने आर कैलकुलेट कर लिया सो दिस इज वॉट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ आर या आर हमने एस्टिमेट किया है क्या ये एक्चुअल वैल्यू के इक्वल होगा मे और मे नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है हमने तो सैंपल लिया है तो सैंपल हम जितनी बार लेंगे उतनी बार ऑब्जर्वेशन चेंज होंगे और जब ऑब्जर्वेशन चेंज होंगे तो को भी चेंज होगा एरर तो होगी एरर होने के चांसेस तो हैं तो ये हमें कौन बताएगा ये हमें बताता है पीई प्रोबेबल एरर कितनी एरर हो सकती है अब इसका फॉर्मूला क्या है वो देखें फॉर्मूला इज जीरो पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव इंटू वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे वन माइनस आर स्क्वायर से, से अपॉन में क्या है रूट ऑफ एन रूट ऑफ एन फाइन तो ये एन का मतलब क्या है कि हमने कितनी ऑब्जर्वेशन का सैंपल लिया है आर मींस को रिलेशन तो इससे हमें पता लग जाएगा कि एरर कितनी है या एरर कितनी होगी तो देखें क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स एक बार सॉल्व करते हैं इसे कंप्यूट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबल एरर अज्यूमिंग दैट कोरिलेशन रिलेशन कोफिशियंट इज पॉइंट एट दिस इज द वैल्यू ऑफ आर

जीरो पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव अब इसे सॉल्व कर लें और देखें आंसर क्या आता है जीरो पॉइंट जीरो फोर एट सिक्स सो दिस इज द प्रोबेबल एरर मतलब इतना वेरिएशन आ सकता है किसमें कोरिलेशन में ठीक को है तो अगर इतना वेरिएशन आ सकता है तो उसकी लिमिट क्या हो सकती है ये हम मेजर कर सकते हैं लाइक को रिलेशन अभी हमें गिवन है 0.8। वेरिएशन कितना आ सकता है 0.0486 इतना वेरिएशन आ सकता है इतनी एरर हो सकती है तो इतना कम होगा या ज्यादा कुछ भी हो सकता है तो इतना ज्यादा भी हो सकता है और इतना कम दीन्स जीरो पॉइंट प्लस माइनस दिस प्रोबेबल एरर इससे क्या आ जाएगी लोअर लिमिट एंड मैक्सिमम लिमिट एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस माइनस एंड देन प्लस चलिए पहले माइनस करते हैं माइनस करके देखें वैल्यूज कितनी आ रही है सो जीरो पॉइंट एट माइनस पॉइंट जीरो फोर एट सिक्स 0.7514 0.8486। तो ये दोनों वैल्यूज हमें क्या बताना चाह रही है कि कोरिलेशन की वैल्यू 0.75 से कम नहीं हो सकती एंड 0.8486 या 0.85 से ज्यादा भी नहीं हो सकती तो जो हमारा वेरिएशन है वो यही रहेगा रिलेशन की मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू इसके बीच में ही एक्चुअल वैल्यू लाइक ठीक है तो फिर से एक बार समझ लें हमने अल्टीमेटली किया क्या है हमने पहले क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स को सॉल्व किया और हमने कैलकुलेट किया प्रोबेबल एरर को एरर कैलकुलेट करने के बाद में हमने फाइंड आउट की है उनकी लिमिट कि कोरिलेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू अब एक तो ये पैटर्न बन सकता है एग्जाम में दूसरा थ्योरिटिकल क्वेश्चन और क्या बन सकता है वो भी हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबल एरर के साथ में एक और मेजर होता है दैट इज स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड एरर ये डिटेल में सीपीटी के सिलेबस में था बट सीए फाउंडेशन में इसे रिमूव कर दिया है सैम्पलिंग चैप्टर सीपीटी में था बट सी ए फाउंडेशन में नहीं है तो इसलिए ये हमारे अब डिटेल में नहीं रहा तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला इंस्टीट्यूट ने इस मटेरियल में दे रखा है उसके अलावा और कोई भी डिटेल नहीं दी गई है सो इट इज सिमिलर टू प्रोबेबल एरर सिर्फ डिफरेंस क्या है हमें यहां पर पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव से मल्टीप्लाई नहीं करना है उस वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करना है बाकी फार्मूला वही है तो स्टैंडर्ड एरर इक्वल्स वन माइनस आर स्क्वे अपॉन रूट एन फॉर्मूला वही है क्या लिखा है इसके बारे में स्टैंडर्ड एरर इज अ अस्टैटिस्टिकल टर्म बेट मेजर्स एक्यूरेसी विथ विच अल रिप्रेजेंट्स पॉपुलेशन यानी कि सैंपल की हेल्प से हमें पॉपुलेशन के बारे में पता लगाना है तो उसमें कितनी एक्यूरेसी है ये हमें कौन बता सकता है स्टैंडर्ड एरर ठीक है तो डिटेल में ये टॉपिक सिलेबस में नहीं रहा है चलिए अब वो पॉइंट जो एग्जाम में आ सकता है दैट इज पॉइंट नंबर फर्स्ट व्हेन आर इज लेस देन पीई अगर आर की वैल्यू प्रोबेबल एरर से कम है मतलब एरर ज्यादा है और कोरिलेशन कम है दैट को कोरिलेशन इज

स को रिलेशन इज सर्टेन तब हम मानेंगे कि देर इज को रिलेशन अगर आर की वैल्यू प्रोबेबल एरर का थ्री टाइम है तो फोर टाइम है फाइव टाइम है तो भी को रिलेशन सर्टेन नहीं है को रिलेशन सर्टेन या सिग्निफिकेंट सर्टेन या सिग्निफिकेंट कब माना जाएगा वेन आर इज ग्रेटर देन सिक्स टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर एरर के छह गुना से ज्यादा होना चाहिए कौन आर को रिलेशन कोफिशियंट तभी हम उसे सर्टिन या सिग्निफिकेंट मान सकते हैं यह क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है फाइन और उसके बाद एक और जो पॉइंट या मेंशन था द लिमिट ऑफ को रिलेशन कोफिशियंट इज गिवेन बाय आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर तो इससे क्या आएगी लोअर लिमिट एज वेल एज अपर लिमिट जो हम यहां कैलकुलेट कर चुके हैं